Assalamualaikum, good morning, Pakistan. कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? दिन की शुरुआत अच्छी हुई है कि नहीं? वैसे दिन की शुरुआत अच्छी करने में ना आपका बहुत बड़ा हाथ होता है. दिन की क्या, जिंदगी गुजारने के लिए, अच्छी माहौल रखने के लिए आपका बहुत बड़ा हाथ होता है. उसकी रीज़न ये होती है कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो आप नहीं चुनते, खुदा उनको चुनकर भेजता है. यानी आपके जो ब्लड रिलेशंस हैं, जिनसे आपका खून का रिश्ता है, वो तो आप ऑब्वियसली खुद नहीं चुनते, अल्लाह ताला चुन के भेजता है. और उस खून के रिश्ते में एक ऐसी अट्रैक्शन होती है कि कुछ भी हो जाए आप अट्रैक्ट होते हैं अपने बहन भाइयों से, अपने माँ बाप से, अपने बच्चों से, जिनसे भी आपका खून का रिश्ता होता है. लेकिन कुछ रिश्ते दुनिया में ऐसे होते हैं जो आप खुद बनाते हैं और उस रिश्ते को बनाने के बाद खुद निभाते भी हैं. आपके हाथ में है कि उस रिश्ते को कैसे निभाना है, आपके हाथ में है कि उस रिश्ते को पॉजिटिविटी के साथ निभाना है और अपनी ज़िंदगी के माहौल को, अपनी ज़िंदगी के जो इन्वायरमेंट है उसको अच्छा रखना है, या फिर आपने हर वक्त सूले पे लटके रहना है. बहुत सारे रिश्ते, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किराएदार और मालिक मकान का एक ख़ास रिश्ता होता है. मालिक मकान कभी कभार आप नोट करें, अगर ख़ास तौर पे आप घर के ऊपर रहते हैं और घर के नीचे मालिक मकान रहते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों के इतने अच्छे रिलेशंस देखे हैं मालिक मकान और किराएदार के, कि वो एक फैमिली की तरह रहते हैं. किराएदार क्या वक्त पे किराया दे या ना दे, मालिक मकान एक उसको एक उनसियत सी हो जाती है अपने किराएदार से, और वो हर अच्छे बुरे वक्त में किराएदार के काम आता है या किराएदार मालिक मकान के काम आता है. मगर मैंने ऐसे भी फैमिलीज देखी हैं, ऐसे भी मालिक मकान किराएदार देखे हैं जो एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं. केस चल रहा होता है, केस कर दिए जाते हैं, कचरा इधर उधर फेंक दिया जाता है, और बड़ी बड़ी शदीद लड़ाई झगड़े मैंने मालिक मकान और किराएदार के देखे. वही रिश्ता है, आपने बनाना है, आपने निभाना है. कैसे निभाना है पता है? इसमें दोनों तरफ से बड़े अच्छी पॉजिटिविटी अगर होगी तो बहुत अच्छा रिश्ता चलता है. फिर होता है एक कलीग, एक ऑफिस जो में काम करने वाले लोग होते हैं उनका आपस का रिश्ता. कुछ लोगों का रिश्ता इतना मजबूत होता है कि क्या सगे भाइयों का, क्या सगी बहनों का रिश्ता होगा, क्या और किसी रिश्तेदार का रिश्ता होगा. इतना मजबूत रिश्ता, आपके दुख सुख में सबसे पहले आपका कलीग खड़ा होता है. और कुछ लोगों का रिश्ता ऐसा होता है कि बस एक दूसरे की टांग खींचनी है, आगे नहीं बढ़ने देना है, और दूसरे को धकेल के उसके ऊपर चढ़ के खुद आगे सवारी करनी है. सो ये भी डिपेंड करता है. फिर एक आपका रिश्ता होता है ससुराल वालों से रिश्ता. अब आप चाहें तो उसको बहुत अच्छे से निभा लें, आप चाहें तो बस सारी उम्र जलते कुड़ते रहें, हसद करते रहें, बूझ पालते रहें दिल में. आप अपनी ज़िंदगी के खुद ज़िम्मेदार हैं कि ये कैसे गुजारनी है, पॉजिटिविटी के साथ, दूसरों से जल के, दूसरों से हसद करके, या अपने आप को इतना कुशादा रख के, इतना हंसमुख, इतना फ्रेंडली रख के कि कोई आपकी बुराई ना करे. अगर आपके अंदर किसी को बुराई नज़र भी आ रही है, सो वह आपकी अच्छाइयों से, आपके अखलाक से, आपकी ज़बान से, वो सब चीज़ें, आपकी बुराइयाँ जो उन्हें नज़र आ रही हैं, वो नज़र आना बंद हो जाए. सो आप अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के खुद ज़िम्मेदार होते हैं. आज हमने सेलिब्रिटी को उन रिश्तों के साथ इनवाइट किया है जो अल्लाह ताला ने बना के भेजे होते हैं, और वो रिश्ता ऐसा रिश्ता है जो सारे रिश्तों पर सबकत ले जाता है. जी हाँ, कुछ ऐसा ही रिश्ता मैं जिससे भी पूछूं, मेरे पास जितने भी यहाँ लोग खड़े हैं या मेरे पास जितने भी लोग वहाँ बैठे हैं, कोई भी इस रिश्ते की पाकीज़गी से या खुलूस से, मोहब्बत से इनकार कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये है माँ और औलाद का रिश्ता. अगर मुझसे कभी किसी इंटरव्यू में सवाल होता है कि कौन है तुम्हारी आइडियल, तो मैं हमेशा यही कहूँगी, मेरी माँ. मैंने अपनी माँ की हर चीज़, शायद वो जब हयात थी तो उस वक्त मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मैंने उनकी हर चीज़ पिक की है,
अब शायद मैं बच्चों को भी उसी तरह ट्रेन करती हूँ, मैं चीखती भी उन्हीं की तरह हूँ, मैं जज्बाती भी उन्हीं की तरह हूँ, मैं गुस्सा भी उन्हीं की तरह करती हूँ, वो हर चीज़ मेरे अंदर जज्ब हो चुकी है। जब वो हयात थी तो हमें लगता था कि लाइक वो बड़ी सख्त है, लेकिन उनके जाने के बाद ऐसा लगता है कि हम उनका अक्स है। सो बच्चे जो हैं, ख़ास तौर पर लड़कियाँ माँ का अक्स होती हैं और लड़के बाप का अक्स होते हैं, लेकिन बहुत सारे लड़कों में भी मैंने देखा है कि उनमें माँ की खसूसियात आती हैं। तो आज हमारे पास कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो अपनी माँ के साथ हैं और उनकी माएँ भी सेलिब्रिटी हैं, वो ख़ुद भी सेलिब्रिटी हैं। बड़ा मज़ा आने वाला है। आप उनसे पहले भी मिल चुके हैं मेरे शो पे अलग अलग, लेकिन एक साथ शायद कम कम आए हैं वो मेरे शो पे। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद ये जो खूबसूरत और सबसे बरतर रिश्ता है इस दुनिया का, माँ और औलाद का रिश्ता, वो होगा आज आपके सामने। और आई डोंट नो, मैंने ये शो प्लान किया था पर मुझे नहीं पता था आज मेरी माँ को हमसे जुदा हुए हुए पूरा एक साल हो गया। मैं बड़ी कंट्रोल्ड हूँ क्योंकि जो रोना धोना था वो सब पहले मैं कर चुकी हूँ। एक साल हो गया वो इस दुनिया से चली गई, लेकिन माएँ ऐसी होती हैं जिनका खला कोई और रिश्ता पूरा ही नहीं कर सकता और उनकी जगह कोई ले नहीं सकता। तो वो ज़िंदा हैं, हमेशा रहेंगी हमारे दिमाग में, हमारे दिल में, हमारे बच्चों की परवरिश करते हुए, हमारी ज़िंदगी में कोई भी कदम उठाते हुए, हर वक्त एक जो सोच जाती है कि अगर अम्मी होती तो क्या करती। सो वो हमेशा उंगली पकड़ के उन्होंने हमें चलना सिखाया, और अभी भी जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और हमें उनके मशवरों की ज़रूरत होगी, सो यही सोच दिमाग में आएगी कि अगर वो होती तो क्या करती। सो उनकी तरबियत, उनकी मोहब्बत, उनका प्यार, उनका खलूस दिल में ज़िंदा रहेगा। और इसीलिए माँ, पेरेंट्स, माँ बाप वो कभी जाते ही नहीं, वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं आपके अंदर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक ब्रेक के बाद आइए, सेलिब्रिटी माएँ, सेलिब्रिटी बच्चों से आपकी मुलाकात होगी। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आपने अक्सर सुना होगा ना कि भाई जायदाद विरसे में मिलती है। जी नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विरसे में मिलती हैं आपको अपने माँ बाप से। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं तो देखती हूँ कि अगर किसी की अच्छी स्किन है या किसी के अच्छे बाल हैं, किसी का तलफ़ुज़ बड़ा अच्छा है, वो सब चीज़ें भी आप विरसे में लेते हैं अपने वालिदैन से। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, ये जो पूरी फैमिली है इनको विरसे में अपनी वालिदा से बहुत टैलेंट मिला है। और भाई हो या बहन हो, बेटी हो या बेटा हो, सबके अंदर जो टैलेंट भरपूर है। और शुक्र है कि ये आहिस्ता आहिस्ता करके निकाल रहे हैं, अपनी आहिस्ता आहिस्ता किताबें खोल रहे हैं कि हमें ये भी आता है, हमें ये भी आता है, हमें ये भी आता है। सो अभी तक आपने जो टैलेंट देखा है इस फैमिली का, उससे तो आप इम्प्रेस हो ही चुके होंगे। आगे आगे देखिए होता है क्या। आइए वेलकम करते हैं एक टैलेंटेड खानदान, यानी कि एक माँ और बेटी, परवीन अकबर एंड राबिया कुलसूम। बिल्कुल ठीक। राबिया बहुत पहले मेरे शो पे आपके साथ आई। जी जी जी, बिल्कुल बैठे ना, प्लीज बैठे। थैंक यू सो मच। और फिर उसके बाद राबिया ने तो जो अपने वो दिखाए हैं ना, जौहर एक्टिंग में अलग, माशाल्लाह डांस में अलग। मैं तुम्हारी अम्मा से पूछती हूँ, सुने ये कहाँ छुपा के रखा था आपको? तो मैंने कभी इतना खूबसूरत डांस करते नहीं देखा, बच्चों में कैसे टैलेंट आ गया ये तो हम भी पूछते हैं ना, मतलब हम पूछते रहे कि भाई पढ़ाई के चक्कर में दरवाजा बंद करके नाच रहे थे मतलब कि बहन नहीं, भाई भी, भाभी भी, सब लोग। तुम लोग की तो जब शादियां माशाल्लाह हुई होंगी, दूसरा वाला जो ग्रुप है जी जी, तो ढेर हो गए होंगे ना? जी जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सुन के शायद अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ऐसे अच्छा, अब वहाँ तो जोड़ी फैजान और वहां में तो बराबर का मुकाबला था, वहाँ कौन जीता था? वहाँ भी मैं ही कहना चाहूंगी कि हम ही जीते थे, वहाँ मानेगी नहीं लेकिन ये है कि मजा बड़ा आया था, मतलब वो जो मुकाबला होता है ना वो हुआ। बता रहे हम, मतलब तुम लोगों के ना गायबाना तारुफ रहता है। जी जी, कह रही है ना मुझे, तुम लोग तुम नौकरी पे रख लो भाई। देखो ये हर टॉपिक पे गुफ्तगू कर सकते हैं। जी बिल्कुल, चाहे कोई रिश्ते हो, चाहे कोई अकलमंदी की बातें हो, चाहे कुछ समझाना हो, तो वो मुझे तो ऐसे लोग चाहिए होते ना जिनसे मैं तभी तो मैंने कहा नौकरी पे रख लो आज खास प्यारा प्यारा सा रिश्ता जो है ये माँ का रिश्ता,
हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर तुम इकलौती बेटी हो, जी जी जी, मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारी एक अच्छाई जो तुमने इनसे पिक की है और तुम्हें लगता है एक बुराई भी तुम्हारी जो तुमने इनसे पिक की। मेरे ख्याल से जितनी अच्छाइयां हैं वो इन्हीं की बदौलत है, एक बता दो कोई बुराइयां हैं वो हमारी नालायकी है। बुराई तो मैं नहीं ऑब्वियसली बता सकती, मतलब भाई जैसे मेरी मम्मा जो है, मेरी अम्मी थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी जी, मुझे ये लगता है कि ये बुराई नहीं है, जो वो अंदर है वो बाहर है, लेकिन दुनिया कहती है कि भाई वो तो बड़ा मुंह पे बोल देती थी, ब्लंट है। अम्मी भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अम्मी को जरा फिल्टर लगाना पड़ता है कि अम्मी बस, अम्मी स्टॉप, और आंखों में बात करनी पड़ती है, अम्मी बस ज्यादा हो गया, बस तुम नहीं हो ब्लंट। नहीं, मैं बहुत नपातुला बोलती हूँ। अच्छा, तो अच्छा। इसमें मैं और अम्मी दोनों, अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो वो अलग केस है, वो तो फिर अलग। लेकिन ये कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि किसी को हर्ट ना करूँ। या ब्लंट होना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट होने और स्ट्रेट फॉरवर्ड होने में फर्क है। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आप बहुत जगह पे अगर हो तो एक्सेप्ट नहीं होते, तो मुझे ये होता है कि यार किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए। तो अम्मी का ये कि जैसा अंदर है वैसा बाहर है, हाँ, कि ये तो बोलना है, ये तो ये साफ है, भाई। है साफ साफ वाली बात, हाँ। है तो वो अच्छा, इसमें थोड़ा जैसे बजाहिर लगता है कि एक बड़ी सख्त माँ होंगी, डिसिप्लिन, टाइम पे खाओ, टाइम पे सो, टाइम पे पढ़ो, क्या ऐसा असल में भी है? जब हमारी पढ़ाइयों का वक्त था और हम छोटे थे तो डिसिप्लिन पे वाकई स्ट्रिक्टनेस थी, और अब समझ में आता है कि बिल्कुल सही थी। और वैसे अगर दूसरी साइड अम्मी की देखें तो शी इज वेरी वेरी फ्रैंक एंड वेरी फ्रेंडली, अपनी हर बात हम डिस्कस कर, सिर्फ मैं नहीं बीइंग अ बेटी, मेरे भाई भी शायद यही कहेंगे कि हम बहुत फ्रेंडली थे अम्मी के साथ, और आज भी जितनी भी सारी ऊट पटांग चीजें भी अगर शेयर करनी है तो वो हम अम्मी से कर रहे होते हैं कि अम्मी ये हो गया, अब क्या करना है बताएं। सुने, ज्यादा पहले ऐसा होता होगा जब तुम लोग कहीं आते जाते हो, ये परवीन अकबर के बच्चे हैं, जी 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 जी, अब आपको कहते होंगे कि ये तो भाई राबिया, ये तो फैजान की अम्मी, ये तो परवीन अकबर के बच्चे हैं, अभी भी कहते हैं, अभी भी कहते हैं। नहीं, लेकिन अब आपसे मिलते होंगे जी तो सब ये कहते होंगे फैजान की अम्मी है ये, राबिया की अम्मी है ये, तो आपको कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, आई फील सो प्राउड कि वो एक, मेरा अब्बा तो रोने लगते हैं, पता नहीं बात बात पे वो रोते हैं कि अब मुझे जो अचीवमेंट होती है, चाहे वो शोबिज हो या कोई भी अचीवमेंट बच्चों की होती है, वो माँ बाप के लिए बहुत ही खुशी का बायस होती है, और हमें फिर अपना आप नजर आने लगता है। बिल्कुल। अब ये क्योंकि मैं शोबिज में हूँ, बच्चे भी मेरे शोबिज में आ गए, हालांकि डेंटिस्ट्री पे बहुत मैंने खर्चा किया। तो बनी कि नहीं बनी? बनी। मतलब राबिया कुलसुम डेंटिस्ट, जी जी, जी। तो आप डॉक्टर क्यों नहीं लगाती? डॉक्टर राबिया कुलसुम क्यों नहीं? जो डॉक्टर नहीं है वो डॉक्टर लगा रही है, मैंने कहा मत लगा, प्रैक्टिस नहीं कर रही ना इसलिए। तुमने पूरा बीडीएस कंप्लीट किया? जी जी, मैंने डेंटिस्ट्री की, मैंने एक साल प्रैक्टिस भी की प्राइवेट, बट ये है कि बस जहाँ मुझे मौका मिला मैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये तुमने अम्मी को खुश करने के लिए किया या तुमने खुद? नहीं, मुझे खुद बहुत शौक था। अच्छा, और इन्हें एक्टिंग का भी बहुत शौक था। हाँ, उसकी इजाजत नहीं थी, उसकी इजाजत। उसमें ये था कि पहले, और अब समझ में आता है क्यों नहीं थी, पढ़ाई अम्मी यही चाहती थी कि पहले कर लो, पढ़ाई के बाद फिर देखेंगे क्या। तुम्हें आपका भी मौका मिले एज डेंटिस्ट, इतना कमाल। अच्छा, ये जो है ना, ये बात हर कोई मुझे कहता है कि डेंटिस्ट बहुत कमाते हैं। मैंने कहा वो जो उस स्टेज पे आने वाला जो मरहला है ना, वो लोगों को नहीं पता होता। तो वो एक पूरी साइकिल है जिसमें आपको जाना पड़ता है उस लेवल पे पहुंचने के लिए कि आप बहुत सारा कमाना शुरू करें। सो यू नो यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट इन द फर्स्ट प्लेस, सो वो पूरी एक अलग डिबेट है। यार लॉ ये मेडिकल पढ़ के यहाँ बैठी हुई है और कह रही है कि वो तुम, मुझे जैसे ही मौका मिला मैं पतली कर। हाथ इस कदर अच्छा है, हाथ इस कदर अच्छा है कि आप क्लीनिंग करवाएं या दांत फिक्स करवाएं, इतना मुझे नहीं पता था सीरियसली कि हमारे बहुत एक बुक 5,000 की मैंने कहा लाना तो तुम हमारा इतनी दांतों का कोई काम होगा मैं कर दूंगी, फिक्र नहीं हमारा इतना खर्चा करवा के तो तुम वो ही आ गई माँ क्या कोई झूठी झूठी बात है। एक्टिंग का इतना शौक था हमेशा से, जब मौका मिला मैंने कहा बस डेंटिस्ट्री करो साइड में। माय गॉड, मतलब लोग सुन रहे होंगे तो हैरान हो रहे होंगे। हाँ जी, लेकिन यही तो बात है ना, अगर हम वालिदैन जो अभी देख रहे हैं हमें, उनको हम ये बताना चाहें, बच्ची ने जी डेंटिस्ट्री पढ़ी, अम्मा खुश, लेकिन फिर उसकी मर्जी का काम भी आप लोग करने दे रहे हैं। जी जी, तो लाइफ तो एक बार मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। सो एक और जोड़ी ऐसी है, पहले बेटा माँ के नाम से पहचाना जाता था, अब माँ बेटे के नाम से पहचानी जा रही है, और आजकल बड़ा बेटा मास्क उतार उतार के भी जा जाके दिखा रहा होता है। ये नया नया जो ये एक शौक होता है ना, कि ये बहुत
बहुत मज़े की चीज़ होती है कि आपको नया नया लोग पहचानना शुरू करते हैं. आप डबल रोटी अंडे जो आप लेने जा रहे होते थे वो आपने आप कह दिया भाई मैं नहीं लेने जाऊँगा, अब मैं भी टीवी पे आता हूँ. सो इन चीज़ों से छुटकारा पा के एक आपको जो इज्जत की ज़िंदगी मिल रही होती है इसको हर न्यू कमर इन्जॉय करता है. सो आइए एक और टैलेंटेड फैमिली, एक और टैलेंटेड माँ और बेटा मेरे साथ यहाँ मौजूद है. उनको आपने पहले भी मेरे शो पे देखा है लेकिन अब बेटा ज़रा अच्छा सा मशहूर हो गया है और उसका ड्रामा आप रोज़ देखते हैं हमारे चैनल पर तेरी राह में. सो आइए वेलकम करते हैं साइमा कुरैशी विद दानियाल कुरैशी. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. ज़्यादा मशहूर बेटे के साथ आ जाए ना इस तरफ आए. कैसे हो दानिया? ठीक ठाक. मैंने लतीफा माँ को तुम्हारी सुना दिया. अच्छा क्या? कि दाढ़ी के साथ आया तो मैंने कहा आप आए मेरे शो पर. बड़ी कोशिश की है अपनी दाढ़ी को उगाने की है. आई नहीं रही, आई नहीं रही. क्या लगाया? बहुत लड़कों को ये तुमसे जानना होगा. क्या आपने क्या इस्तेमाल किया कि आप थोड़ा बड़े बड़े लगे और आपके बराबर की कोई हीरोइन मिल जाए? मेरे तो बहुत जो बियर्ड ऑयल्स हैं और ब्लेड का इस्तेमाल रोज. उल्टे सीधे उल्टा शेव कर, उल्टा शेव, उल्टा शेव, बिल्कुल उल्टा शेव. किसी तरह मैं बड़ा लगूं? आ जाए दाढ़ी किसी. ओए ओए ओए, प्लीज बैठे तो सही ना. थैंक यू. हां सो मजेदार. इस वक्त कितना मजेदार टाइम चल रहा होता है जब आप रोज टीवी पे आते हैं. बहुत कोई भी प्राइम एंजॉय कर रहा है. बहुत कोई एंजॉय कर रहा है. क्या करता है ये? कहते हैं आप बाजार आपको लेके चलो, चले हाइपर स्टाइल स्टार चलते हैं. अभी हम लोग कोई कल परसों हम लोग डिनर पे गए थे. हाँ. तो अब क्योंकि मुझे बहुत आदत है ये बहुत टाइम से मतलब शोबिज में लोग इनके पास आते हैं पिक्चर्स की तो हम बैठे हुए थे तो एक बच्चा अपनी वालदा के साथ बैठा हुआ था. हाँ. और वो बड़ा ना यूं यूं करके अपनी अम्मी को कह रहा था तो मैंने इनको बोला कि बच्चा आपके साथ तस्वीर खिंचवाना चाह रहा है तो बेचारा नर्वस हो रहा होगा. पांच मिनट बाद वो बच्चा आया बड़ी हिम्मत करके. हाँ. वो आया मैंने बोला इनके पास वो मेरे पास आ गए तो मुझे आपके साथ पिक्चर खिंचवानी. बहुत अच्छी है? बहुत अच्छी. मैं अम्मा के साथ भी होता था तस्वीरें खींचती थी सब दानिया अभी के साथ. अभी तो मुझे ये कह रहा था मैं अभी फेस्टिवल में गया हुआ था जो चल रहा है तो वहाँ मुझे इतने लोगों ने पहचाना. मैंने कहा तुम मास्क नहीं पहने? कहते वहाँ जाके तो मैंने मास्क उतार लिया. यार यही तो एंजॉयमेंट है. और एक एक छोटी एज में बस बेटा फलदार दरख्त हमेशा झुका हुआ होना चाहिए. ये तो मुझे कहता है नसीहत कर रही हूँ मैं. नहीं नहीं बिल्कुल मैंने आपकी नसीहत ली है घर वाली. अब ये जो एक्टिंग कर रहे हैं आप तो वो जो थी ना चीज़ डिसिप्लिन वगैरह वो खुद ही खुद पैदा हुआ है कि नहीं? नहीं डिसिप्लिन तो खैर क्योंकि इसका शौक इतना है हमेशा से अब पता ही है कि एक्टिंग में आना है. तो वो अब जाहिर एक चीज़ जब एक चीज़ पसंद है एक चीज़ का शौक है तो वो तो फिर आपको पता है खुद ही रूल सेट किए जाते हैं ना कि भाई सुबह अब कोई मशवरे लेता है दानियाल आपसे भी लेता है. ये वाले जो सीन है ना इसमें मुझे थोड़ी हेल्प नहीं नहीं करता है हमेशा करता है. मुझे कहता है प्लीज रोना सिखा दें. अल्लाह रोया नहीं जाता. रोया नहीं जाता. मैंने कहा वो बचपन वाली पेंटिंग लगा लेकिन इसको मैंने कभी मारा नहीं है. तो कोई टिप्स वगैरह इसको देती हैं? हाँ, हमेशा जी बिल्कुल देती कि कैसे करो क्या विक्स लगा लो ये नई एक्सप्रेशंस में कहाँ कहाँ क्या क्या देने हैं. मैंने कहा तुम ऐसे कर लेते तो ज्यादा अच्छा. हाँ आप ठीक कह रही नेक्स्ट टाइम ऐसे. देखती हैं इसका काम? देखती हैं बिल्कुल देखती हूँ. अब इसका काम तो ज्यादा देखती मतलब सारी जिंदगी होमवर्क चेक किए और अब ये कसम अपने ड्रामे देखती नहीं इसके देखने पड़ते हैं. This is good. अब तुम नहीं तो होते ना बच्चे कमाओ पोत हो जाते तो चलो भाई शुक्र है चलो भाई. हाँ नहीं नहीं लेकिन अभी भी अम्मा होमवर्क देख रही हैं. नहीं ये मेरे लिए ना दानियाल इज लाइक अ बेटी. मतलब बेटी से मतलब मैं क्या है मतलब इतना अटैच और हर चीज के लिए मैं इतना ज्यादा कुछ भी बोल देती है यार. दाढ़ी बड़ी की इतना नाम मतलब बेटी मतलब मेरा लाडला ना लाडला हर चीज इसकी मतलब हर चीज में मैं इसकी इन्वॉल्व होती हूँ. क्या लेना मामा ये ले लूँ ये अच्छा है वो है तो छोटी छोटी चीजों के लिए. तो अब जाहिर अब इसने अब ये इस प्रोफेशन में आ गया है तो अब तो मेरी और इन्वॉल्वमेंट है कि भाई ऐसे मत करो वो कपड़े अपने एक्सपीरियंसेस को हेल्प कर रही हैं है ना. हाँ, और बल्कि मुझे भी हेल्प मिलती है जैसे मैं इससे पूछती हूँ ये कैसे करूँ ये वाले पहन लूँ तो ये मुझसे पूछता है आज क्या पहन रही हैं आप ताकि फिर हम मैचिंग करें. तो ये ना इस तरह
सो ये एक बहुत मज़ेदार फेज होता है जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, ये बॉन्डिंग माँ बाप के साथ जब शेयर होती है ना, ये एक अलग फेज है, वो जो उंगली पकड़ के चलना सिखाना। एक और बहुत प्यारी सी माँ बेटी बेटी का गायबाना तारुफ हमारे शो पे रहा है, क्योंकि ये भी अपने घर में इकलौती हैं और मुझे इनके आने से पहले ही इनके बारे में बहुत कुछ इनकी अम्मी बता चुकी हैं, हम ऑफ कैमरा भी बात करते हैं। तो ये जो माँ है इनको तो आप ड्रामों में एक्टिंग करते हुए देखते हैं, बेटी ने अभी तक कोई ड्रामों का रुख नहीं किया, आई डोंट नो करेगी भी कि नहीं। सो आज मेरी और आपकी मुलाकात पहली दफ़ा होगी इस सेलिब्रिटी गेस्ट की बेटी से। आइए वेलकम करते हैं मुनज़्ज़ा आरिफ एंड ज़ोहा आरिफ। तुम्हारी पिक्चर है ना, तुम्हारा माशाल्लाह इतना गायबाना तारुफ है। सो इकलौती बेटी होने का कोई तुम फायदा उठाती हो घर में, एडवांटेज है सारा काम तुम्हें करना पड़ता है? You know, मेरे जो भाई हैं वो भी बहुत घर का काम संभालते हैं। तो भाई अम्मा ने ट्रेन सही किया ना लड़कों को, वो ज्यादा संभालते हैं जब मामा दूर होती है। नहीं तो मैंने कहा कि ये कराची होती है तो सारा जो बेटी को संभालना पड़ता है। नहीं, वो भी वो लाइक बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन करते हैं। हाँ, अभी वो जो दोनों प्रोग्राम देख रहे होंगे तिल मिला रहे होंगे कि ये तो कुछ नहीं करती, इसका काम भी हम कर रहे होते हैं, कमेंट कर रहे होंगे आई एम प्रीटी श्योर पीछे। नुमान जो है वो कुकिंग करता है, तो यू नो तुम अपनी अम्मी के ड्रामे देखती हो? नहीं, आप प्लीज बैठे, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। ये तीनों बहुत प्यारे से खूबसूरत एक्ट्रेसेस हमारी अपने बच्चों के साथ, और इनके बच्चे भी एक्टर हैं भाई। सो वो कहते हैं ना बाय वन गेट वन फ्री, यहाँ कुछ ऐसा ही सीन हुआ है। सो एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए एक खूबसूरत रिश्ता जो माँ का रिश्ता है उसके हवाले से बात करते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ये माएँ जो आप देख रहे हैं ये अपने फख्र लखते जिगर के साथ यहाँ बैठी हैं, और वो अब मैं ना एक एक तीनों माओं से ना मैं एक एक जो है ना वो जो बचपन की जब आप डायपर पहना करते थे आप लोग, वो बचपन वाली शरारत मुझे एक एक माँ एक एक चाहिए सारी माँ। आपसे शुरू करते हैं, जब ये जो है वो छोटी सी थी बिल्कुल और शरारतें उरूज पे थी, सो कौन सी ऐसी शरारत थी जिससे आप अपना मुंह छुपाती थी? अल्लाह, ये शरीर बिल्कुल नहीं थी। नहीं थी? हाय हाय, डॉक्टर साहिबा अच्छी बच्ची थी। बिल्कुल शरीर नहीं थी, मतलब इसको कभी मैंने यूं भी नहीं। हाँ। नहीं यार, ये बात तो सही है, ये शरीर बिल्कुल नहीं। एक इकलौती बहन, बिल्कुल शरीर नहीं, कोई कोई कुछ नहीं किया। तुम बोरिंग तरीन बच्चा जो होता है ना वो। नहीं यार, मैंने तो बड़ी चोरियां की हैं, मैं चोरी पकड़ी गई है, फिर अम्मी मुझे डराती थी, वो जो बाबा है ना पीर साहब मलीर वाले, उन्होंने कहा तुम्हारी तुम्हें काली उल्टियां होगी। अच्छा हाँ, वो चॉकलेट मैंने ही खा ली, वो अपनी बहन की चॉकलेट मैंने ही खाई। हमें तो बड़ा इस तरह डराया धमकाया गया। नहीं, ये इसने कभी तंग नहीं किया, लड़के बहुत शरीर थे यार, कभी एंगर से पिटाई भी नहीं हुई, चप्पल कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। आज तक खानदान में ये बात होती है ये नहीं पिटी है, ये क्यों नहीं पिटी है, राइवलरी चल रही होती है कि ये आज तक नहीं पिटी। यहाँ तो कोई मसाला निकलेगा नहीं। आप बताएं कोई कुछ इससे कोई शरारत कोई ऐसी की हो भाई? बता दूं। इसलिए जब छोटी सी थी तो इसे फ्रूट्स खाने का बहुत शौक था, तो एक दिन इसने फ्रिज खोला तो वे जो ससुर थे अल्लाह जन्नत नसीब करे उन्हें, तो वो उन्होंने कहा कि नहीं नॉट बिफोर लंच, उसके बाद तो बात आई गई होगी, खाना लग रहा था अभी सब तैयारियां हुई, तो मैं गई तो ये बड़ी सीढ़ियां ऐसे ना, ये 2-2.5 साल की थी, बमुश्किल सीढ़ियां, मतलब पहली बच्ची सुना है फ्रूट खाने का शौक है, और इसकी निकल्स भारी भारी, मैंने कहा ये अचानक इतनी मोटी सी क्यों लग रही है, चल क्यों ऐसे रही है। मैं देखा तो एक आलू बुखारा तड़क करके नीचे गया, ये वहां से स्मगल करके ऊपर ला रही है। वैसे सारी शरारतें इसके भाई से करवाते थे, क्योंकि उन्हें पता था इसको डांट नहीं पड़ेगी। नहीं, मैं इनकी स्टेशनरी स्कूल जाते थे ना, तो इनकी एक्स्ट्रा पेंसिल रबर शार्पनर्स एक ड्रॉर में लॉक में रखती थी, क्योंकि एंड जब जाना होता ना सुबह पता मामा मेरे पास पेंसिल नहीं है, मामा रबर नहीं है, तो उस वक्त थोड़ी स्टेशनरी स्टोर जाएंगे, तो मैं वो खोलती थी उनको निकाल के देती, उनको चाहिए थे तो वो इसको आगे लगाते थे, मैंने चॉकलेट्स वगैरह भी संभाली होती थी उसके अंदर, तो कहते तुम निकालो तुम्हें डांटनी पड़ेगी। तो ये बेचारी मासूम थी, ये उनके कहे में आती उनकी जो है उनकी कहे में
हाँ, सारा बेर फिर वो बता भी देते थे मामा को कि ये निकाल रही है। हाँ, और फिर वो मेरे पे हंस रहे होते थे कि यू नो अब तुम पकड़ी गई। ओह माय गॉड, वो पॉलिटिशियन वाला काम करते हैं। ओए होए होए, इसकी कोई शरारत आपको याद है? ये तो आपका इकलौता मेहवर नहीं होता, सारी गुस्सा सारे एक्सपेरिमेंट्स एक ही के ऊपर होते हैं ना, वो वाली चीज। ये बहुत शरारती था, ये बहुत शरारती, ये अभी भी इसकी आंखों से लगता है। ये एक तो बैठता नहीं था, नेता बैठता नहीं था, मतलब बैठता नहीं था यार। आपने अपनी ड्रेस में मतलब मैं सारी लिपस्टिक मैं इसको ना यूं बताती थी ना, मैंने कहा बस बैठे ना मेरे बच्चा, यहाँ बैठना। हाँ। यूं बैठना, यूं मैं मुड़ी हूँ, यूं शूं करके भागा। शूं, और इसकी एक स्माइल थी ना यूं करके ना, जानबूझ के ना कि देखो मैंने कर लिया। और फिर मैं घर में कुछ भी लाती थी ना, नेता ये फेंकता था। मेरे घर से चीजें गायब, महंगे जूते आ रहे हैं, एक जूता पड़ा है, पूरा घर देख लिया, जूता दूसरा जूता कहाँ, दूसरा वो नीचे गिरा हुआ है भाई। ओए ओए, घर से झाड़ू फेंक रही है, बर्तन जा रहे हैं, हमें तो बहुत बाद में पता चला सामान जा रहा है, सामान जा खा रहा है यार। हमारे घर से भी ना चीजें गायब होना शुरू, हम तो मासियों पे ना सुबह यही चोरियां, पूरी पूरी चोरियां क्यों नहीं, फेंकता क्यों था, बस इसको मजा आता था। कुछ होता है कि जैसे चीज फेंकी ना, हाँ यस। मेरे बेटा ये करता है, बालात जो है हमारे एक डेकोरेशन पीस है जिसमें नहीं वो पर्दे गिर रहे होते हैं, नीचे एक लकड़ी का बना हुआ है, जो चीज घूमती है वो वहीं से मिलती है। चलो शुक्र है तुम्हें पता तो है। हाँ। कि कहाँ से मिलती है, यहाँ तो हमें लोग ला के देते थे। यहाँ तुम पता लग गया था, अच्छा उन लोग देखते भी थे, हाँ यहाँ से गिरती आ रही होती थी कि बाजी आपका झाड़ू नीचे गिरा। अरे भाई नई नई चीजें आई, पिटा है ये? नहीं, नहीं, अच्छा हम लोगों ने कुछ सवाल जो है आपके बच्चों से किया है, देखते हैं आपकी मेमोरी। बादाम खाते हैं आप लोग? जी नहीं, पता लग जाएगा कौन कितने बादाम खाते हैं, बहुत महंगे। ओके, पहला सवाल था मैं आपसे जी। हाँ, मुझे हमने ये सवाल दानियाल से किया हुआ है, ठीक है, और हमने राबिया से किया हुआ है, और हमने आपकी बेटी से किया हुआ है जोहा से। तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूं, मुझे अम्मी की किन बातों पर गुस्सा आता है, दानियाल ने क्या जवाब दिया होगा? अगर आपने सही जवाब दिया तो ये आपकी जो ताज है, जो वैसे ही बच्चों ने तो ताज माँ के सर पे पहनाया, तो उस पे एक सितारा आ जाएगा। किन बातों पे गुस्सा, अम्मा की किन बातों पे गुस्सा आता है मुझे? मैं इसको जो जिस बात पे डांटती हूँ वो मुझे किस बात पे गुस्सा आता है? दानिया वो किस बात पे गुस्सा आता है? आप जैसे मुझे खबरदार हिंट नहीं देना। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल किस बात पे गुस्सा आता है? मुझे तो खैर हर बात पे आता है। नहीं, दानिया किस बात पे आता है? आई थिंक बच्चों को एक ही बात पे गुस्सा आता है, माओ की कि टोका ना करें मुझे। और कुछ इसी से करीब करीब है, जब ये लेट आता है तो फिर मैं जरा गुस्सा करती हूँ। मुझे मसला है गुस्सा आता है आपकी इस चीज से, मसला है मुझे। आई थिंक एकदम से मुझे याद नहीं आ रहा। 5, 4, 3, 2, 1 आप सुनती नहीं है, मैं भी ऐसी माँ हूँ, अपनी बोलते रहते हैं आप, नहीं तुमने ये क्यों किया, क्यों लेके गए मोबाइल बाथरूम में, क्यों डेढ़ बजे तक जाग रहे हो। सही कहा, बिल्कुल मैं सुनती नहीं है कोई भी। क्या, अच्छा वैसे तुम क्या सुनाना चाह रहे हो? तो क्या कुछ तो सुन ले भाई, अब समझाता है मुझे कि आप यहाँ गलत हैं, आपको ये करना चाहिए। अच्छा आपस की बात है, वो बात सही भी निकलती है। ओके ओके भाई, दूसरी बात, अगला सवाल जोहा से करती हूँ सवाल। चला हाँ भाई, जोहा से नहीं, सॉरी आपसे सवाल। ओके हाँ, कि आपके बारे में है, ठीक है। ओके, क्या मैं घर में अपनी चीजें संभाल के रखती होंगी? कौन मैं? ये जोहा, वो साल में कुछ 10-15 दिन होते हैं जब संभली भी होती है, मैं अरेंज कर रही होती हूँ। हाँ, जब मूड आ जाए कोई बहुत ही वंस इन अ ब्लू मून तो कर लेती है, अदरवाइज तो मैं ही कर रही होती हूं। सो ये तुमने उससे इतना मुश्किल सवाल बनाया, एग्जैक्टली क्या है वो इतना आसान, मतलब तो ये तो हां मुंह में जवाब देना था, सही था ये तो यार अनफेयर है। हां ना, ये क्या सवाल मुझसे पूछ लिया आपको, किन खुद ही नहीं समझ आई सवाल पे उसकी गुस्सा, और इधर पूछ लिया सवाल पे, मतलब हां यार नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें हो सकती थी, लेकिन हमसे भी मुश्किल पूछे में मैं नाराज हूं। एक सितारा आगे, चलिए देखते हैं कि हां
नहीं हमसे भी मुश्किल पूछे हुए हैं। अच्छा कोई एक डांट आपको याद है जो आपने एक दफा कोई डांटा हो राबिया को और उसकी लॉजिक उसको आज तक बेचारी को समझ नहीं आई है? भाई स्कूल से जुए भर के आ जाती थी। ओए अल्लाह। हाँ इनसे तो ना ही पूछो या पटारे खुल जाएंगे। सही कह रही हूँ, 10 दफा साफ करो फिर जुए भर के आ। सही है, मुझे याद नहीं आई लेकिन हाँ। अब मैं कहूँ भाई क्यों बैठती हूँ उन बच्चों के पास जिनके सर में जुए? ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया। अच्छा ये हम थोड़ा पाकीज़ा जवाब हमें थोड़ा साफ सुथरा जवाब। समझ में नहीं आई, अगर समझ में आती तो फिर बात पे अमल भी होता है। अच्छा और कोई चीज हो जिसपे आप टोकती हो इसको बहुत, जिसको लॉजिक आज तक समझ को भी और बाकियों को भी, बाकियों को भी। क्या है मतलब हर जड़ की रीजन वो ही क्यों होती है? देखा देखा ये वही, देखो कैसा सवाल किया, कोई जरूरत नहीं स्टार लगाने की, रंग को मेरे पे भी नहीं करता। हाँ वो चीज जिससे हम चारों को आप टोकती हैं और हम कहते हैं कि क्या है इसकी लॉजिक? देर तक सोने की आदत, नहीं स्टार मिल रहा आपको, फोन वेरी गुड शाबाश। आप फोन पे तो टोकती हो, फोन देखो ये देखो ये मेरी पुणे जो है ना ये लगी आई है, मजा लगता है। सवाल किया इजी सवाल, नहीं नहीं बहुत मुश्किल है भैया। आगे चलो तो आगे आएंगे, अभी आएंगे, मुझे लग रहा है बचपन की बात कर रही हो या अभी की बात कर रही हो? बचपन में, बचपन में फोन नहीं, पापा नहीं, जब फोन आया खत्म हो गया क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उसका पोस्टमार्टम कोई पॉइंट नहीं मिल रहा, खत्म हो गया क्वेश्चन, आगे चले उन्हें साले कोई तुम्हें ओके साहिबा तुम्हारी बारी है, दूसरा क्वेश्चन बताओ। दानियाल घर का कौन सा एक रूल चेंज करना चाहता है कि इस रूल को बदल दूं मैं, ये बस मैं लेट आऊं तो मेरी माँ कुछ ना ओए आ गया स्टार, ये यही तो है बेटा, वो नहीं होने वाला, वो रूल नहीं बदलेगा शूटिंग का मत तक नहीं बदलेगा। अब वो बेचारा शूटिंग से लेट आए तब भी नहीं, शूटिंग में फोन करके मैं पूछ लेती हूँ। एक तो मसला ये है कि असिस्टेंट डायरेक्टर सबके नंबर, प्रोड्यूसर सबके फोन कर लेंगे ऐसी बात। अच्छा अगर मैं लेट आऊँ ना हाँ। तो फिर ये इसका के चलो अब शुक्र है ये, लेकिन मैं फोन शूटिंग पे भी हाँ भाई कब पैकअप हो रहा है, तो मैं से कहती हूँ वो तो जल्दी चला गया। अबे मेरा सीन था ना। अच्छा ये मेरे साथ भी होता है, कभी बच्चे लेट आते थे तो मैं उनको ये शरीफों के घर आने का टाइम है, एक दिन मैं शूट से आई तो दरवाजा खोल के कहता ये शरीफों के घर आने का टाइम है। मैं अम्मी की कौन सी एक आदत खुद में लाना चाहती हूँ? जोहा बीइंग ऑर्गेनाइज्ड आई थिंक शायद। सही है भाई, दूसरा सितारा भी ले गई है। नहीं because she says that very often, you're so organized, so organized. तो तुम तुम्हारी अलमारी खुलती और कपड़े गिर जाते तुम्हारे ऊपर? नहीं नहीं ऐसा कुछ होता है। हाँ बोल दो बोल दो। नहीं हूँ लेकिन मामा को लगता है हाँ कि मैं उनके मुकाबले में exactly. भाई वो तो प्रिंसिपल टीचर exactly. हम कहाँ मुकाबला कर सकते हैं। जिस तरह वो बच्चों की कॉपियां समेट के रखती हैं, एक एक बच्चे के बारे में पता होता है, बहुत बहुत मुश्किल काम। सीरियसली टीचिंग करना और खासतौर पे प्रिंसिपल टीचर्स को टीच करना एग्जैक्टली ये बहुत आसान और भी मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। ओके आपकी बारी। अम्मी एक काम जो हमसे करवाना चाहती है हमेशा और हम उनको खुश करने के लिए उनकी वजह से जबरदस्ती करते हैं। अम्मी जबरदस्ती करती है उसमें हमें। Come on, और मैं आपको बताऊं ये सारे पेरेंट्स यही कर रहे होते हैं एक सर्टेन एज के बाद, एक सर्टेन एज के बाद। अक्सर तो वो भी बेचारी बहुत कुछ कर रही होती है, वो मेरी तरह कंफ्यूज हो गई कि अक्सर क्या मतलब आप जबरदस्ती हमसे करवाती हैं और ये बेचारे करते भी हैं सिर्फ आपकी खातिर। नहीं मेरी बात तो वैसे ही बहुत मानते हैं ऐसी बात नहीं, दिल पे पत्थर रख के। ये दिल पे ज्यादा ही पत्थर रखते हैं इस बार। जल्दी सोते और चले एक मौका और दे देते हैं। और अब तो अपने अपने घर के हो गए, आपको क्या पता जल्दी सोते हैं कि नहीं, आपको गुड नाइट कह देते हो। हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सोचो क्या जवाब, मुश्किल है स्टार मिले वैसे। क्या करती हैं आप? वो भी यही काम करते हैं वैसे, आपको ये बता दूं सब पेरेंट्स ही करते हैं हाँ। और अगर मैं उनकी बात ना मानूं तो वो मुंह फुला लेते हैं, नाराज हो जाएंगे। भाई वक्त पे जाना, कहीं आना जाना हो वक्त पे जाए, टाइम रिलेटेड करीब है, आने जाने की ही बात है। कहां जबरदस्ती लेके जाती हैं शादियों में? ये आ गया सितारा,
अरे भाई मेरे अब्बू के कजन के बेटे की बेटी की शादी. निदा, मैंने कहा अब्बू मेरी शादी हो गई है, मेरे अपने बच्चे हैं, ससुराल है, अब तो नहीं मैं जाऊंगी आपकी थ्री थर्ड कजन की शादी में. अब फर्स्ट कजन इमीडिएट में चली जाऊंगी, क्योंकि अब्बू घसीट के लेके जाते हैं. हाँ ये तो हम भी करते हैं ना, कि तुम्हें ससुरालों को देखो, वो लोग भी तो आके शरीक होते हैं ना. वो तो आएंगे ना, परवीन अकबर है. नहीं नहीं, मतलब ये कि फिर ये तो गिव एंड टेक वाला. अब्बू के एक रिश्तेदार ने कि पूरी फैमिली ने मतलब 5 दफा स्टेज पे चढ़ के जब मेरी और यासिर की शादी हुई है, मतलब किसी और को मौका ही नहीं दिया. वो खानदान माशाल्लाह लंबा बड़ा भी था, वो 5 दफा आए तस्वीरें खिंचवाने. मेरी तो हंस हंस के थक गई मैं. मेरी दुल्हन होती है जब, सो मैंने अब्बू से कहा पप्पा बारियां लगाएं, किसी को खड़ा करें कि एक खानदान एक ही दफा आए ना, क्योंकि औरों को भी मौका मिले. तभी तो हमारी रुखसती सुबह हुई है, 12 बजे बारात आई है. तुम 12 बजे कह रही हो, एक शादी में हम गए, बारात आई है रात को 2 बजे, और जो बच्चे साथ गए थे वो बाहर ठेले वाले नहीं होते, वो खत्म. दो बजे बना हो गया था वापस, बच्चों के ठेले, सारे बच्चे हाथ में पॉपकॉर्न. और उसके बाद आखिरी होगा शादी का खाना 2 बजे तक नहीं खुला. सो ठेले जो बाहर थे ना, जो नहीं होते शादियों के हॉल के बाहर, वो सोल्ड सोल्ड. और एंड में सबको भूख लग रही है, और एंड में पॉपकॉर्न, एंड में हम भी गए थे जरा. और जिस पर डांट पड़ी होती थी मत खाओ पॉपकॉर्न, वो ये थोड़ी देर बाद देना, थोड़े देर छोटा सा ब्रेक. और फिर ये आप लोग गुड मॉर्निंग पाकिस्तान अल्लाह. वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज आप एक बहुत खूबसूरत शो देख रहे हैं, और खूबसूरत के साथ फनी भी हो गया. क्योंकि यहाँ आज हमारे पास काफ़ी मसखरे जमा हो गए. सुबह सुबह हम चाह रहे हैं कि आपका मूड अच्छा रखें और अच्छे से इस दिन को मनाएं. घर के पोल भी खुल रहे हैं, घर के पोल भी ऑटोमेटिकली खुलते जा रहे हैं, और फिर ब्रेक में घर से फोन भी आता है. हल्का हाथ रखें, हल्का हाथ रखें. अब जो हमने अभी हमने माओ से कुछ सवाल किए थे, अब हम बच्चों से करेंगे. हमने इसके जवाब माओ से लेके रखे. अब हमारे पोल खुलने की बारी. ओके बेगाना, तुमसे पहला सवाल. देखते हैं कि स्टार लग सकता है तुम्हारे सर पे कि नहीं. अम्मी एक ऐसा कोई किस्सा माजी का जो वो याद करती हैं, और तुम्हारे तुमने काफी दफा सुना होगा वो किस्सा. एक जो है मतलब एक रिग्रेट, तुम्हारी अम्मा का एक रिग्रेट जो हर वक्त जिक्र करती है. अच्छा रिग्रेट, अच्छा वो ये तो ये यूं बताएगा, ये तो रोज का है. क्या रोज सुनता हूँ रिग्रेट. वो ड्रामेटिक होता है ना कि मैंने बहुत भरी जवानी में शादी करी. भरी जवानी, यू इडियट. आप देखिए, जाइमा मना करो इसको. मतलब मैं ऐसे कभी नहीं कहा, मैंने कहा मतलब इतनी यंग एज में शादी. यही वही अभी तो मैंने कुछ नहीं हुआ, भी नहीं ट्रांसलेट कर दिया. वही बोल, मेरा करियर पीक पे था. मैंने कहा मुझे भी तो देखिए मैं कितना बड़ा हूँ, क्या फायदा मेरा करियर पीक. हंसी मजाक में ये रोज जरा ये तो जल्दी शादी होने का एक फायदा ही होता है कि बच्चे आपके साथ बड़े हो जाते हैं. बड़ा फायदा है वैसे वाकई. ये तो शुक्र है मेरी अम्मा मुझे ताना देती थी जब मैंने कुछ उनको तंग किया. तुम्हारे लिए मैंने पेट कटवाया. आप आजकल के जमाने में सिजेरियन तो इतना सा कटता है, पुराने जमाने में तो मैं पूरा कटवा दिया. और बार बार दिखाती थी मुझे, मैंने मैं बदसूरत हो गई तुम्हारी वजह से. मैंने मेरा क्या कसूर है. ऊपर से मैंने थोड़ी कहा था अम्मी. पूरा किस्सा सुनाती थी. तुम पैदा होने वाली थी, तुम्हारी दादी मुझे लेने गई, अलमारी लेने ले गई, अकेली नहीं गई वो मुझे लेने गई, तो हम अलमारी लेके मैं यूं बैठ गई. पूरा किस्सा सुनाती थी. तुम्हारे जो है तुम्हारे गले में वो लिपट गई, क्या कहते हैं उसे, कॉर्ड. सो इसलिए ऑपरेशन हो रहा. पूरा अम्मी मुझे पूरी जिंदगी किस्सा सुनाती रही है. मेरे बच्चे भी हो गए तुम्हारी खातिर. स्टार तो लगा दिया ना तुमने. लगा दिया, लगा के आगे से. ओके स्टार क्यों जो कर रहा है. अच्छा
एक ख्वाहिश जो अम्मी के दिल में है और अभी पूरी नहीं हुई, उनकी आरजू है वो ख्वाहिश पूरी होने की, मेरे बच्चों के लिए ख्वाहिश है कोई ओवरऑल, और हाँ अभी आरजू पूरी नहीं हुई है, अभी वैसे भी वक्त भी नहीं है पूरी होने का, लेकिन उनकी ख्वाहिश ये बहुत है। आई थिंक एक तो के सारे बच्चे अपना काम संभालें और दूसरा के शादी। मतलब इतनी पिद्दी सी है वो अभी शादी के लिए, बेटे भी छोटे हैं। हाँ ये देखो बिल्कुल सही जवाब। वाव थैंक यू सो मच। मतलब जैसे आपस की बात है, मेरा भी दिल चाहता है, मेरे भी बच्चे बहुत छोटे, लेकिन अल्लाह की कसम मेरे बेटे की मंगनी नहीं हुई भी, अल्लाह की कसम। ये गलत है YouTube की खबर यार, YouTube में तो इसकी भी करवा दी। हाँ, YouTube सुने तुम्हारी भी हो गई YouTube पे। मेरे दोस्त मुझे बोल रहे थे कि माना के बात नहीं हो रही, तो उसका ये मतलब तो नहीं आप मंगनी पे नहीं बुलाए। अभी मुझे आपा कह रही है तुमने कर दी यार, मैंने कहा ऐसे हो सकता नहीं। तो नहीं था वो जो एक कुकिंग शो में आई थी, तो मैंने कहा था कि मेरा बड़ा वाला बेटा बहुत अच्छी कुकिंग करता है, तो एक यूट्यूबर ने अपनी वीडियो लगाई और मुनज़्ज़ा आरिफ का एक बेटा शेफ है और वो बहुत अच्छे खाने पकाता है, ये कब हुआ? ओके भाई चलो भाई तुम्हारी बारी। अम्मी के मुताबिक इनके सारे बच्चों में से कौन से बच्चे ने ना ज्यादा उनकी उम्मीदों से बढ़कर जो है नाम कमाया है? या आई थिंक ईमान। हाँ वाह भाई सही है भाई, माशाल्लाह। यस अच्छा क्या वजह है कि ये उसके लिए इतना प्राउड फील करती है? क्या वजह? ईमान जो है जब स्कूल में था तो अम्मी ने उसका नाम थक्का स्टार्ट रखा था। अच्छा और माशाल्लाह अब ही इज ग्रोइंग सो मच, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो एक्सपेक्टेशन क्या करता है ईमान के बारे में? ईमान यूके में होता है अपनी फैमिली के साथ। अच्छा। और जितना अरसा उसने वहाँ रह के अपने आप को ग्रो किया है माशाल्लाह, और उसकी जो ग्रोथ है बेसिकली हाईली एजुकेटेड है, हाईली एजुकेटेड होता चला जा रहा है, हम सब कॉम्प्लेक्स में आ रहे हैं। क्या पढ़ रहा है? बस कर, अभी उसने डबल मास्टर्स किया है, अब वो पीएचडी करने के अभी अभी मुझे पता चला है कि माँ बाप को पढ़े लिखे बच्चे इतने पसंद होते हैं कि ये डिग्री अम्मा, मतलब मैंने ऑनर्स किया है फिजिक्स में और 2 साल होटल मैनेजमेंट की, लेकिन मेरी अम्मा का था निधा मास्टर्स कर ले, निधा मास्टर्स के तेरी बहने भी कर रही है, परसू करें ना करें, माँ बाप को एक होता है कि पढ़ जाए बच्चे के भाई, तुम्हारी अम्मी भी मास्टर्स हैं तो तुम लोग भी हमसे आगे जाओ, वो होता है। ओके भाई बेटा ये स्टार आ गए, चलो देखते हैं किस रिश्तेदार में अम्मा का दिल बड़ा लगता है, कौन से रिश्तेदार है वो? शर्सी की बात तो नहीं कर रही। और एक और चलें, ये तो जवाब दुरुस्त है, एक और है कोई? तो आप 2 स्टार लगाएंगे? नहीं मैं 1 ही स्टार लगाऊंगी, लेकिन उन्होंने 2 लोग बताए। अब शर्सी और और कौन बेस्ट कजिन्स में? या अफशीन लोग हमारी एक हैं कजिन जो अमेरिका में होती हैं, वो अफशीन, मैं उनको खाला कहता हूँ, और ये एक अफशीन जैसी हैं, दोनों अफशा हैं वो, अफशीन और अफशा, अफशीन सोबिया का नाम बताया था। हाँ सोबिया भी है, वो एक ही फैमिली से। आप लगा देना फैमिली बेटा तेरा ही हाल था। ओके आप सवाल। अच्छा किन चीजों पर अम्मी जरा पैसे खर्च करते हुए जरा कंजूसी करती है, जरा घबराती है? आई थिंक मे बी फोन। नहीं ये स्टार तुम्हें नहीं मिलेगा, खाने पे कम पैसे खर्च करते हैं जैसे, मतलब आई डोंट वांट टू स्पेंड मनी ऑन फूड फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि हमारे घर में बहुत अच्छा खाना पकता है, सो वी लॉस्ट इट। बाहर से बहुत मंगवाते हो तुम लोग, अम्मा कराची गई होती तो बीमार हो जाती हो। बातें तो बहुत है वैसे, है ना बेचारे भाई पका रहा होता है। ये ज्यादा बेहतर आंसर था, आई डोंट वांट टू स्पेंड ऑन फोन, ये ज्यादा बेहतर था, आई कुडंट थिंक ऑफ। हम तो कर लेते हैं स्पेंड, लेकिन वो नहीं करती। हाँ मैं सस्ता फोन रखती हूँ, चोरी हो जाए गुम जाए मैं बाद में रो नहीं दुख नहीं है ना। हाँ ओह यस। हाँ भाई तुम्हारे तुमसे सवाल जी, अपने पैसे महफूज करने का सबसे बेहतरीन तरीका अम्मी क्या समझती है? मुझे दे दो मैं रख लूंगी। अपने पैसे महफूज रखने का बेहतरीन तरीका, रखने का हाँ मतलब अपने पास पैसे जो है ना जरा जमा रहे, बता भी नहीं कितने कितना मैं कितना उस तरफ लेके जा रही हूँ। वो नहीं होते जो क्वेश्चन आंसर आते हैं कि आंसर दिया हुआ होता है और क्वेश्चन उससे बना।
अपने पास पैसे सेव रखने का तरीका सबसे बेहतर अम्मी क्या कहती है? क्या है? अम्मी तो दो तीन चीजें कहती है, जैसे जैसे बता भी नहीं क्या, कुछ लेके रख लो और और अम्मी ने इतना ऑकवर्ड जवाब दिया है तुम खुद हंसोगी। कह रही है किसी को बताओ नहीं कि कितने पैसे हैं तो सेफ रहेंगे। कह रही है, जवाब दे रही है, किसी को बताओ नहीं इतने पैसे खर्च नहीं होंगे। पैसे रख के बोलो है कुछ ये मस्ती भरा जवाब क्या है, कोई पूछे क्या, चेक ही नहीं है ये ठीक है, अच्छा बहाना बता हमारा, चेक ही नहीं दे रहे आज खुल गया पोल सबको। सवाल मैं सारे बच्चों से करूँ, स्टार नहीं लग रहा ऐसे पूछ रहा हूँ, तुम्हारी अम्मा के सबसे बेहतरीन तरीका क्या है पैसे बचाने का? बेटा चेक ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, तुम्हारी ख्वाहिशात ये भी यही करती है। हाँ इनसे अम्मी ये कुछ चाहिए, बेटा चेक नहीं आ रहा है यहाँ, तुम्हें चाहिए कि तुम काम कर रहे हो, मतलब मेरा भी चेक नहीं आ रहा। मेरा भी नहीं। तो फिर तुम्हारी अम्मी का क्या है पैसे बचाने? फिर ये चेक कौन करता है यार, के चेक नहीं आ रही है, यही चेक करता है, यही चेक करता है। तुम्हारी अम्मी का बेहतरीन तरीका क्या है पैसे बचाने का? आई थिंक कोई इतना स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन यही हो सकता है, मुझे लगता है वो अपने पे कम स्पेंड करती हैं। अच्छा, वो हमारे पे कर लेती है, ऐसे पैसे बचाती हैं अपने पे कम स्पेंड, मतलब कि यू नो वो ज्यादा प्रेफरेंस हमें देते हैं व्हेन इट कम्स टू स्पेंडिंग, तो अपने पे थोड़ा कम करते हैं, तो इस तरह पैसे बच जाते हैं। अपने ऊपर बहुत कम खर्चा है। अच्छा, और ये कि सारी चीजें इन्होंने कैसे बचाए हैं? एक जमाने में जब तुम लोग छोटे थे तो इनको तुमने पैसे बचाते हुए कैसे देखा है? मजाक के अलावा बचपन से ये बचपन की ट्रेनिंग है, और शायद अब ये भी कर रही है घर। ये सब कुछ नहीं किया इन्होंने, कमेटियां तो अम्मी ने अब जाके शुरू की हैं, या पहले होंगे हमें नहीं पता, सीरियसली अम्मी को बचाते हुए नहीं देखा मैंने, ये सेव कर लो, ये सेव कर लो, ये सेव कर लो। खर्चे करती किधर थी, ज्यादा खर्चे किधर करती है? हम लोगों पे हाँ, खिला दो पिला दो पहना दो और जो चाहिए हाँ हाजिर है। हाँ, और ये खर्चे करने में कैसी है, थोड़ी सी कंजूस है या जरा उड़ा दो अपने? नहीं नहीं मैं बहुत शाकर, और ये इसकी आदत भी है, बिल्कुल शाकर, तुम भी शाकर चो। मैं तो इनसे भी ज्यादा, मैं तो उधार लेके खर्च करता हूं। हां तो सुना, कभी कभी मैं इसको डांटती हूं, ये आदत तुम्हें गलत ले ली है, मेरी आदत तुम्हें पैसे से ले ली है, ये फैसल कुरैशी भी शाकर चो बहुत, ये आदत तुम्हारी फैसल से आई है। ये सच है, मैंने बचपन में बहुत चीजें देखी हैं, ये ऐसी कमरा छोटा, टीवी कमरे से बड़ा, टीवी बाहर जा रहा है, मैं तो खुशी से जाता था, मैं मामू के घर जाऊँ, इतना बड़ा टीवी, खेलने प्ले स्टेशन, ना उनके पास टाइम, वो आदत मेरे दिमाग है ना, वो खानदानी। जब मैं जिसको बोलती थी ना कि चेक नहीं आया, और मैं अपनी कभी चीजें लेके आती थी तो मुझे कहता लगता है चेक आ गया है, बेटा सेल लगी हुई थी, चुपा चुपा के, कभी कभार लगता है शूट पे बहुत ज्यादा है भाई, कभी शूट पे गया हुआ हूं, ये आ जाती है पीछे से, मैं जल्दी आ जाता हूं, कभी एक आध सीन होता है, ये एकदम से बौखला जाती है कि तुम वैसे बच्चों को ये बेस्ट स्टेज है जब उन्हें सेव कर लेना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद फिर आपके खर्चे ऐसे खुलते हैं ना कि फिर यही मैं करना मुश्किल होता है। मेरे बच्चे इतने चलाक हैं, मतलब जिस चीज की मुझे जरूरत नहीं ना, जैसे जॉगर्स, मम्मा आजकल ये इन है, ये ट्रेंड चल रहा है, उल्लू बना के दिला देते, पहन खुद रही होती है। मैंने कहा है ये क्या, मैं तो मैं पहनूंगी कहाँ, यहाँ सलवार कमीज के नीचे कहाँ मैं पहनूंगी, पूरे विंटर्स मैंने इसकी हुडियां यूज की हैं, सारी हुडीज है, मैंने पूरे विंटर्स के गुजारी, मैं तो विंटर की शॉपिंग ही नहीं करती, कपड़े पहन। हाँ आजकल ट्रेंड चल रहा है ओवर साइज जींस पहनी, पर हुडी पहनी, विंटर्स निकल गया आराम से। अच्छा, खाना सबसे अच्छा क्या पकाती? मछली की बिरयानी। मतलब तुम्हें जब क्रेविंग होती है कि यार आपके हाथ का वो खाना, अम्मी का हाथ का मुझे जो अभी कुछ अरसे से लगा हुआ है बहुत ज्यादा, वो है टिंडे गोश्त। टिंडे गोश्त, ओहो अमेजिंग टिंडे गोश्त, मैं अम्मी को फोन करती हूँ कि अम्मी टिंडे गोश्त बनाए, मैं क्रेविंग हो रही है, क्रेविंग हो रही है।
तुम बताओ भी तुम्हारी मम्मी के हाथ का सबसे वो कहते ना तुम्हारा फेवरेट खाना आई थिंक मुझे पुलाव बहुत पसंद है चिकन पुलाव या क्या चिकन पुलाव और बिरयानी दोनों तुम्हें जैसे अम्मी कराची में शूटिंग करा रही हैं अगर तुम्हें ये याद सताती है क्रेविंग exactly. होती है आई थिंक मुझे सबसे एक दिन के लिए आ जाए बिरयानी बनाना काफी दफा वो यही करती हैं कि जब उनके पास यू नो ऑफ डेज होते हैं तो वो नहीं जिस दिन मेरी फ्लाइट होती है अगर शाम की है ना तो वो सुबह से ऑनवर्ड्स मैं कीमा भी भून के रख रही हूँ मैं कोशिश करती हूँ मैक्सिमम मैं पका के छोड़ के इनके लिए चली जाऊँ कि मैं जाऊँ तो फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं आज हम तुम्हारी बनाई हुई हलीम निकाल के खा रहे हैं तो मुझे बड़ा मजा आता है कि मैं घर पे नहीं हूँ लेकिन मेरे हाथ का पका हुआ खाना मेरी फैमिली खा रही है हाँ भाई तुम बता तुम्हारी अम्मा ने कभी किचन का रुख किया है नहीं ये बहुत इस मामले में है रुख किया है टिपिकल में क्या बहुत ये किचन इन्होंने बाहर का रुख कम किया होगा बाहर का ये बहुत अच्छा खाना पकाता ये क्या है ये मजाक कर रहे हैं नहीं नहीं ये बहुत अच्छा खाना मैंने कहा मैं बड़ी घरेलू खातून हूं बिल्कुल बहुत सारी जिंदगी गुजारी मेरी जान बहुत अच्छा खाना पकाता जवानी से लेके अब तक छोटी सी उम्र में जब शादी हमने की जिनका रिग्रेट है अच्छा नहीं मुझे बताओ क्या अच्छा पकाता दाल चावल ये हर चीज बहुत अच्छी बनाती है लेकिन मुझे इनके हाथ का दाल चावल अब मैं तुम्हारे घर आ रही हूं दाल चावल मुंह में पानी आ रहा है थोड़ा सा उस पानी को कंट्रोल कर छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी हमारे साथ क्या गप्पे मार रही थी आप पता ही नहीं चलता ना कब शुरू हुआ कब ब्रेक पे गए हाँ जी आज हम जो है ना वो बड़ा मजे मजे की गुफ्तगू हो रही थी हमारी माँ और बेटी के बीच में है ना अच्छा वैसे कभी आपको ये हुआ अक्सर होता है जैसे बहुत सारी मैंने माओं को देखा जिनके बेटे होते हैं वो बेटियों का शौक पूरा करने के लिए बेटों को ही फ्रॉक पहना देती कभी इन्होंने तुम्हें फ्रॉक पहनाई भी है तो मत बोलेगा लाइव शो और ये वाकई में लड़की इसके मैंने बिल्कुल वो वाले बाल थे ना वो फ्रेंच कट बाल नहीं होते वो ये था भी बचपन में ऐसा जैसे मतलब अडोरेबल बच्चा था गोरा चिट्टा ब्लू आईज तो इसको मैंने फ्रॉक पहनाई और ऐसा और कोई नहीं किसी ने नहीं पहचाना कि ये मेरा मेरा बेटा है सब ने कहा बहुत प्यारी बेटी है मुझे था नहीं थोड़ा पानी और मुझे इतना था कि मतलब इसको मैं तभी अभी नहीं देखा आपने कि मैंने कहा ये मेरी बेटियों बेटियों की तरह है बेटियों का मुझे बहुत मतलब बहुत मैम अगर ये पार्ट कट सके रात को यूट्यूब पे जो शो लगे तो अच्छा अब आपके दो बेटे ठीक है और एक बेटी तो ये भी होता है ना अक्सर जो ज्यादा लड़कों में पलती है लड़की वो माही मुंडा हो जाती है हाँ जब ये जब इसको कंसीव किया था तो मैं सोची थी कि तो बेटा हुआ तो फिर तो यू नो तीनों एक जैसे होंगे लेकिन ये बेटी हुई तो मैं सोचती थी ये फिर वो टॉम बॉय होगी अच्छा जब छोटी थी तो शी यूज टू वेयर अपने शैगी की टी शर्ट्स पहन ली और ये सब कुछ इस तरह छोटे शॉर्ट कट बाल सब कुछ ये भी कुछ रीसेंट चंद सालों में चेंज आया है कि एकदम इयर रिंग्स पहन कभी कभी पहन लेती है या थोड़ा सा हाइलाइट सा मेकअप या कभी ग्लॉस लगाया अदरवाइज शी वॉज नॉट इन टू दिस लेकिन पे चढ़ना फ्रॉकों से याद आया कि शैगी की दफा ना मुझे डॉक्टर ने कहा फ्रॉकों से याद ऐसे बात होगी सॉरी दानियाल आज इस शहर में ऐसी बात होगी शैगी की दफा मुझे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जब आई तो डॉक्टर ने कहा कि भाई मुबारक हो पहले क्या है मैंने कहा जी बेटा ने कहा चलो भाई आपके बेटी आ रही है तुम्हारी तो फिर जब 8 मंथ में हुआ तब भी उन्होंने कहा भी बेटी है मैंने कहा अच्छा भाई पक्का है तो बेटी आ रही है तो मैंने धड़ा धड़ फ्रॉक खुद सिए अपने हाथ से फ्रिल्स लगा के और इवन जो हमारे फर्स्ट फ्यू डेज के जो बच्चों के कपड़े सिलते हैं वो मैं उसके खुद अपने हाथ से सिए थे व्हाइट और इसके ऊपर लाइट मल्टी कलर सितारे लगाए थे व्हाइट सितारे लगा दिए और शैगी साहब हाँ, पैदा हुए तो उन्हीं सितारों में लेटे हुए थे इतनी मेहनत से खुद हाथ से बनाया तो मैंने तो सारी फ्रॉकें पहन मेरी कॉलीग्स कहेंगे भाई दे दो दे दो अकेले तुम नहीं हो फ्रॉक्स दे दो तुम्हारा तो बेटा हुआ तो शो पे नहीं है ना शैगी घर पे अपसेट हो रहा होगा तुम्हारे साथ भी राबिया यही है तुम्हारे माशाल्लाह भाई इकलौती बहन इन्होंने क्या वो किया है माही मुंडापन पूरी जिंदगी माही मुंडापन तो हमने
बहुत कंट्रोल में रखा था. अच्छा. और भाई खुद बहुत इन पे हावी थे, बहुत कंट्रोल. ओए होए. तो वो ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज जब जाती थी तो स्कार्फ लेती. अच्छा. एक दिन एक दफा का जिक्र है, मैं आईने के सामने खड़ी हुई काजल लगा रही थी ना, तो फैजान भाई थे या शायद हसान भाई, ये काजल क्यों लग रहा है तो भाई मतलब यार काजल तो लगाने बड़े बापे. कितने भाई भाई? तीन भाइयों की एक बहन. एक बहन. और कोई कहीं से पाबंदी लगाता था, कोई कहीं कहीं से, कोई कहीं से, कोई कहीं से. और जो फैजान भाई है ना, और वो उनका तो अब भी मैसेज आ रहा होता है कि कहाँ हूँ, का भाई शादी हो गई है. क्या कर रही हो? का भाई शादी हो गई है, हस्बैंड है मेरा. मतलब वो इतने ज्यादा, उनसे मेरी दोस्ती और यारी वाला जो सीन है ना वो तो बहुत ज्यादा है. तो माही मुंडा वाली लड़की नहीं थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. लेकिन क्रिकेट खेली है भाइयों के साथ, कपड़े भी शेयर किए हैं, सब कुछ किया. लेकिन वो वाला जो लड़कों वाला पन होता है ना, वो लड़कापन कभी भी नहीं था. So, वो अब जैसे अब तुम्हें तुम्हारी शादी का वक्त आ रहा था. जी जी. वो होता है ना, एक एक लड़की फोकस घर में. जी बिल्कुल. उस वक्त क्या हुआ, अपनी पसंद की कर सकती थी, इजाजत थी, हर चीज मुंह से निकालती थी. हाँ. और अम्मी अब्बू और भाई पूरी करते थे. नहीं, लेकिन सख्ती के बाद, सख्ती के बाद भी. हाँ. मतलब सबने बहुत ज्यादा पैम्पर्ड रखा है, भाइयों ने भी, अम्मी अब्बू ने भी, क्योंकि एक लौती बहन थी. और शादी के वक्त तो सर पे बैठी हुई थी ना, कि जो कहेगी और वो पूरा होगा. नहीं तो अपनी पसंद की शादी तुम्हारी, अम्मा भाई की पसंद मिक्सचर. क्या कहाँ मिले थे तुम्हारे मियाँ? मेरे मियाँ बेसिकली जो ईमान मेरा भाई है उनके दोस्त थे. अच्छा. तो उनकी शादी पे हमारी मुलाकात हुई थी, और ईमान की भी शादी हुई थी. हाँ. और 2 महीने बाद हमारी बात पक्की हो गई, क्योंकि उन्होंने वही हमारी बातचीत हुई, उन्होंने रिश्ता भेजा. ये वही वाली बात शादियों में देख लेते हैं. तो वो इस तरह से जो है वो अभी बातचीत हुई थी कि बात पक्की हो गई. अरे ये वाला सीन. तो बिल्कुल लव भी नहीं है, बिल्कुल कोई समाज की दीवार नहीं आई बीच में. नहीं नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा रहा. रिश्ता उन्होंने भेजा, अम्मी ने कहा भाई तीनों भाइयों को लगा दिया पीछे, पता लगाओ, पता लगाओ वाला सीन हो गया. तो बस वो रिपोर्ट अच्छी निकली, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट अच्छी थी. अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट अच्छी आई तो बस रिश्ता पक्का हो गया. ओए ओए ओए. सो भाई आप नंबर आएगा आपका भाई. सो अब तुम्हारे बारे में भी जांच पड़ताल होगी, तो तुम्हारा जरा जहाँ जहाँ तुम शूटिंग करते हो अच्छी इज्जत है. नहीं नहीं, मेरा सबसे जो पहला नहीं नहीं तो जरूर सबसे पहला जो मेरा काम होता है, जो मैं ध्यान रखता हूँ, वो ये होता है कि मैं कहीं भी जाऊँ, क्योंकि मैं और अम्मी एक ही प्रोफेशन में, तो इनको मेरे बारे में कभी कोई ऐसी बात सुनने को ना मिले कि इसका शुरू से रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, इनका सर झुक जाए. तो मैं जब भी ये शूट से आती है, मुझे कभी कोई अच्छी बात ही बताती है. अभी जो ARY पे चल रहा है, हम पे चल रहा था, तो मेरा बेसिक जो मकसद वो ये होता है कि इनको कोई मसला ना हो मेरी वजह से शुरू से, वरना कल को इनको कि यार तुम्हारा बेटे को मैंने वहाँ पार्टी में देखा था. बेटा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे मैं कहूँ कि नहीं तुमने मुझे बड़ा शर्मिंदा किया. अच्छी बात, मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी ओके. ये बचपन से ही ना सबको, ये असल में जब ये छोटा था ना तो उसको सलाम करने की आदत थी, और बार बार करता था सलाम, अस्सलाम अस्सलाम. अभी तो किया है बेटा, बस अस्सलाम बस कर दो बेटा. अच्छा, किसी कभी फैमिली में से किसी की हो जाती थी अनबन, अभी ये सबसे पहले आके ना चुप करो, हर सलाम नहीं ये मतलब वो बड़ा स्वीट वाला बच्चा है ना, सबको सलाम, मोहल्ले में घुस सबसे अच्छी आदत. मेरा बेटा जो था जब छोटा था बलाज, तो उसने सबसे पहले एक काम सीखा, तालियां बजाना. इतनी तालियां बजाता था. मेरे बच्चे ने भी ताली बजाना नहीं, तो हम तो परेशान हो गए कि वो जरूरत से ज्यादा बजाता था. तो मेरी बहन ने मुझे समझाया, देखो निदा तुमने 9 महीने मॉर्निंग शो किया, सामने ऑडियंस बैठी हुई, सबसे ज्यादा तुमने तालियां बजाती. तो तुम्हारा बेटा वही चीज पिक करेगा ना, और लिटरली उसको हम कहते थे हर बात पे ताली क्यों बजाता है, लॉरेन कर क्या बोलेगा. सो वो ये सब होता है. होता है. जब ये पैदा हुई तो इनकी ऐसी कौन सी आदत थी जिसने आपको हैरान कर दिया? ये सबसे सवाल है, कॉमन सवाल. ये बहुत पीसफुल बच्चा थी, बिल्कुल रोती बहुत रोती, मतलब पेट में दर्द हो क्रैम्प से कुछ भी नहीं रोती थी ये म्यूट रोती थी, जरा सा म्यू करती थी, मुंह टेढ़ा, तो मैं कहती थी या इसे भूख लगी या पैंपर चेंज होना कुछ एक, और अगर प्रॉब्लम इज आंसर्ड तो वो वहीं स्माइल. और मेरी कजिन आई तो वो कहती यार तेरी बेटी तो बिल्कुल म्यूट रोती है. तो थोड़ी सी शक्ल चुड़मुड़ होती थी और प्रॉब्लम सॉल्व एंड शी इज हैप्पी अगेन. ये वाहिद बच्चा आउट ऑफ 3
कि जिसने इवन लाइक आफ्टर बर्थ मुझे 5 घंटे एट अ स्ट्रेच सोने देती थी, एट अ स्ट्रेच फीड लेके सो जाती थी, फिर 5 घंटे मुझे मेरी नींद पूरी हो जाती थी, बाकी उन दो की दफा तो 2-2.5 घंटे 2-2.5 घंटे में रातें जागती थी साथ में फ्रॉम डे वन. ये बहुत पीसफुल बच्चा. अरे भाई लकी है तुम ये सुन रहे हो भाई. हाँ हम तो बहुत सुनते रहे ताने पेट कटवा के. और इनकी बताएं जरा आप, जब ये छोटे वो तो आपने बताया ना, लेकिन ये जब पैदा हुआ था तो साल तक तो ये भी बहुत अच्छा था, बिल्कुल आराम से. बिगाड़ बाद में शुरू हुआ है उसके बाद से लेकर आज तक ये नहीं. वैसे तो खैर अच्छा बच्चा है मेरा, लेकिन बच्चों की जो शरारतें होती हैं वो तो फिर इंटेलिजेंस है. हाँ होनी चाहिए, वो ना हो तो फिर मजा ही नहीं. बचपन में बहुत खूबसूरत बच्चा था, पैदा हुआ था बचपन में अभी भी अच्छा है. और इसकी बताएं जब ये जो पैदा हुई, बाद में तो शरीफ बच्ची थी, लेकिन वो पैदा होके जो नहीं होते बच्चे तंग करते हैं रातों को जगाना. सिर्फ फैजान ने हमें रातों को जगाया और किसी बच्चे ने नहीं. फैजान सबसे बड़े? नहीं नहीं, फैजान 2 नंबर है. उसको आदत हो गई तो फैजान ने हमें बहुत तंग किया. अच्छा और क्या करता था? होता ना नहीं, बच्चे... सोता नहीं था ना, सोता नहीं था. नहीं वो उसकी नींद बिल्कुल मक्खी जैसी थी. यूं सुलाए और हम कहे अल्हम्दुलिल्लाह सो गए. हाँ. दरवाजे से निकले अरे भाई और मैं बता नहीं सकती. हाँ. कि मेरी हालत पतली हो गई थी जाग जाग इतना जागना कितना आदमी जागेगा. हाँ, हाँ. फिर मैं अपनी बड़ी बहन को फोन करती थी अल्लाह के वास्ते इसको थोड़ी देर ले जाओ सोना है सोना है. और मेरे मियाँ कहते थे भाई इसको ले जाओ भास. हाँ. बहुत शोर कर रहा नींद नहीं आ रही. फिर कभी कभी मैं उनको जगाती थी कि अब मैंने टहलाया अब आप टहलाए. अच्छा चले ये तो बेरेबल है ना भाई, जगाते भी हैं बच्चे. कुछ बच्चे तो चवन्नी अंदर डाल लेते हैं, लाक नाक में कुछ फंसा लेते हैं. वो तो फिर आपको केयर बहुत करनी पड़ती है. नहीं पीछे पीछे क्या खा लिया था? नहीं नहीं होता वो मुझे ऐसा. हाँ, कैसे खा लिया पता नहीं कैसे इसने खा लिया. तो जापान वगैरह में तो खाते ही काला. तो मैंने कहा पता नहीं क्या चीज है मोटी मोटी से रखा तो वो ऐसे ऐसे ऐसे. अभी जुओं में किसी को मसला नहीं हो रहा था यहाँ पे. नहीं तो खाई नहीं थी ना तुमने तो खा ली. फिर अल्ट्रासाउंड में इसने लाया. इसने खजूर की गुठली खा ली थी. वो गुठलियाँ पढ़ते हैं ना उनको. आरिफ के खालू का इंतकाल हुआ तो वो पढ़ी हुई थी तो मैं पढ़ रही थी. ये छोटी सी थी पता नहीं 2-2.5 साल टाइप बहुत छोटा बेबी थी. तो थोड़ी देर बाद एकदम ने कोई शक्ल बनाई तो मैं डर गई. मैंने और फिर सांस भी नहीं ले रही तो मैं घबरा के इसको मैं उठा के बाथरूम पे लेके गई. फिर इसको मैंने उल्टा के पीछे से थप्पड़ मारे तो पता नहीं कुछ निकली. इसने एकदम से फिर सांस लिया. फॉर फ्यू सेकेंड शी डिडंट ब्रीथ और मेरी जान पे बन गई थी कि पता नहीं चोक हो गई है. फिर उसके बाद हम इसको डॉक्टर के लेके गए. उन्होंने अल्ट्रासाउंड चेक किया कि ये चीजें कैसी याद आती हैं. ओह मेरी बेटी छोटी थी तो वो मिनरल वाटर की जो छोटी बॉटल होती है उसमें मट्टी का तेल पड़ा हुआ और हम वो खेलते खेलते उस समझी पानी तो गुड़ 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 चला चढ़ा लिया. अब यासिर शूटिंग पे और मैं मुझे तो समझ नहीं आया कि मैं करूँ क्या. फिर खैर मैंने पता नहीं किस किस को फोन किया तो उन्होंने कहा उल्टी कराओ लेके भागे एमरजेंसी में. वो मट्टी का तेल रखा हुआ क्यों था पता नहीं. वो सफाई कर रहे होंगे ना कोई टाइल को चमकाने के लिए कुछ कर रहे होंगे तो रह गए होंगे. किचन मेरा ओपन किचन था तो वो बच्ची गई चढ़ा लिया पानी. फिर तो फिर वो मैदा वॉश कराना जाहिर है मट्टी का तेल था ना. और मेरी एक मेरी कजन की बेटी थी मुझे अच्छे से याद है. इतनी छोटी सी थी उसे अपनी अम्माओं को नहीं पहनते हुए लॉन्ग पहनते हुए देखते. उसने क्या किया वो जो कान का स्टॉपर नहीं होता मोटा सा जो होता है उसे नाक के अंदर लॉन्ग पता नहीं पहनने के चक्कर में अंदर घुसा लिया. और नाक में उसके इतना बड़ा स्टॉपर जो होता है ना वो जो सिल्वर वाला जो जिससे बुंदे बंद मेटल का वो नाक में फंस गया. पूरा खानदान लगा नाक से प्लकर लेकर आए छिल गई नाक पूरी. बच्चे क्या क्या करते हैं यार. किसी को तो किसी ने चवन्नी खा ली थी. नहीं जब क्रॉल करने लगे ना फिर बहुत ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि हर चीज उठा के मुंह में तो ऐसी चीजें
बिल्कुल, और नजर बहुत रखनी। इसको भी क्रॉलिंग के वक्त एक ऐसा झटका लगा था ना करंट का, उसके बाद फिर उसने कभी नहा के निकला, नहीं करो बेटा, नहीं दानो, नहीं नहीं जाएगा, बैठता नहीं था ना, गया हाथ लगा बहुत, उसके बाद से कभी मेरा बड़ा वाला जो बेटा है उसकी और फैजान की बहुत लड़ाई होती थी आपस में, बहुत लड़ाई होती थी, मतलब ज्यादा फर्क नहीं बच्चों में। अच्छा, तो एक दिन क्या हुआ, वो हमारे मुलाजिम ने इस्त्री लगाई थी, तो वो इस्त्री बंद करना भूल गया। अब ये बच्चे शॉर्ट्स पहनते थे ना, फैजान ने इस्त्री उठा के उसके थाई पर अपनी जिद पूरी करने को, उसकी पूरी खाल ना इस्त्री पे लग गई। अब वो जो रोया है वो भी छोटा था। मेरे अब्बू मुझे किस्सा सुनाते हैं ना, मेरी दादी गुस्से की तेज थी, अब्बू से जो बड़े भाई थे बीच वाले, वो उसे लाई कर रही थी, उसने कोई शैतानी की होगी, उन्होंने ना हैंगर मार लिया, मार ली थी चप्पल मार, उन्होंने खींच खींच के, वो बेचारे की अभी तक उनके वो है, तो उसके भी इधर निशान है पूरा, पूरी कैंची का निशान, कैंची का निशान। कभी कभी अम्माओं से भी बहुत सारी एक्सीडेंट हो जाते हैं, नहीं ये तो भाइयों ने भाई से तंग इतना कर देते हैं बच्चे ना माओ को, कभी कभार हो जाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे पास जोड़ियां हैं, माँ बच्चे की जोड़ियां हैं, और अब ये देखना है कि कितना अभी इतनी मसरूफियत के बावजूद भी वो अपने ससुराल चली गई हैं, ये काम में बिजी होते हैं, ये भी अपने काम में बिजी होते हैं, तो तीनों जोड़ियों में थोड़ा सा जब अगर दूर दूर भी हो गए हैं, टाइम एक दूसरे को उतना नहीं दे पाते, तो फिर भी अच्छे से जानते हैं कि नहीं, तो ये करना है हमने आपसे, ये मस्ती करनी है, ये वाला जो है ना ये पोर्शन मेरा ख्याल से बेटे से शुरू करते हैं, ठीक है, आप दोनों को खड़ा होना पड़ेगा। अच्छा मैं इधर अम्मी को खड़ा करूँ, सही खड़ा किया है आप इधर आइए। ओके, सबसे पहले आपसे पूछ रही हूँ, घर का कोई भी नापसंदीदा काम, उसको क्या पसंद नापसंद है? अपने लिए या मेरे लिए या घर का ओवरऑल? अपने लिए। बहुत नापसंदीदा काम है उसका, ये जवाब है, इस पे हमेशा लड़ाई होती है, मैं कहती हूँ सारे काम सीख लिए, स्त्री करना तो सीख लो। तुम्हारी अम्मी को क्या नापसंद है? बर्तन, क्योंकि मैं धोता हूँ ना वो, तो इसलिए खोले, मैं शर्त लगा सकता हूँ। सही जवाब, बर्तन है ना काम, इसका मतलब सब कह रहे होंगे बहुत बर्तन धुलवाए ना इसलिए। अच्छी ट्रेनिंग देनी चाहिए, हाँ, हाँ, आपकी बहू आपको दुआएं देगी। हाँ, ओके, खरीदारी क्या पसंद है करना भाई आपकी बेटी? हाँ लेती हूँ मैं। हाँ अच्छा, अब समझ आ गई मुझे, सेट वालों पहले बताया करो क्या क्या है? अच्छा, कौन सी चीज पसंद है इसको खरीदना, खरीदारी करना जो होता है ना पसंद है कि हर शय इसको खरीद के दे दो, ये इसका तो बस ही नहीं होता, इसको खुद खरीदना क्या पसंद? कपड़े ही कपड़े हैं इसकी दुनिया, मेरे पास इतने कपड़े नहीं है जितने इसके पास कपड़े। उठाना, हाँ कपड़े ही कपड़े हैं, इतना कपड़ा इसके पास, ये आपकी सोच है। और अम्मा को क्या पसंद है खरीदारी में? ये बैग्स और शूज का बड़ा इनको है। उठाओ पर्दा, अम्मा का भी पर्दा उठाओ। बैग्स और शूज तो खैर मेरे फेवरेट हैं। Yes. Count सही जवाब, सही जवाब भाई। ये चीजें तो बहुत कॉमन है, हम लोग साथ करते हैं ना, क्योंकि ये मैं जैसे मैं सी कपड़ों पे, ये मेरे शूज थे, बस करें हां कितने जूते नहीं है। अच्छा, ना पसंदीदा रंग जो बिल्कुल ही पसंद नहीं आते? वैसे तो खैर इसके पास सारे कलर्स हैं, लेकिन आई थिंक गॉडी कलर्स इसको नहीं पसंद है, लाइक कोई वाइब्रेंट थोड़े ज्यादा, जैसे बहुत हाँ ऑरेंज, दिखाओ जरा दिखाओ, पर्दा उठाओ, रेड से ऑरेंज वगैरह या रेड ही खोल दो ना, सही कह रही है वो, पटाखा कलर नहीं पसंद ना, वाइब्रेंट कलर नहीं, इसके इसके वार्डरोब में मैंने ऑरेंज कलर कोई नहीं देखा। सही जवाब, सारे कलर है इसके, मतलब माना बेटी हूँ लेकिन नहीं पहन सकती, माना बेटी हूँ लेकिन इसका वार्डरोब तो मैं ही ठीक कर रही होती हूँ, मुझे पता है। अच्छा तुम्हारी अम्मा का ना पसंदीदा कलर कौन? मुझे यकीन है पीला होगा, पीला दिखाएं जरा, पीला कलर सुनिए, झांका टांकी की है क्या?
ये इसलिए क्योंकि इनको पीले कलर से ये बोलती है जॉइंटस, मेरे कपड़ों में कोई पीला कलर नहीं, जॉइंटस का कलर, बीमारों वाला कलर, ये मुझे याद है। ये सारे कलर्स मिलेंगे, येलो कलर नहीं मिलेगा। ओह माय गॉड, अच्छा आई हेट येलो। अच्छा, पसंदीदा एक्टर, दानियाल का पसंदीदा एक्टर मेल, मेल में मेल, ये तो घर की बात है। क्या तुम्हें आवाज, उसका अपना मामू है, वो उसके बगैर बात ही नहीं करता अपने फैसल, फैसल कुरैशी। तो अभी कहीं भी फोन करके मेरी कजन से पूछ लो, किस से पूछ, फैसल, फैसल। इनका तो मुझे नहीं पता। और इनका पसंदीदा एक्टर कौन है? मैं। खुशफहमी तो देखो ना, मतलब ये थोड़ी ये मुश्किल है कि बता सके तुम्हारे बाद, ये मुश्किल है, ये तो पुराने लोग हैं। मैं तो क्या मतलब है, सही है, छोटी उम्र में जल्दी शादी कर दी, इसका मतलब ये नहीं है पुराने लोगों के ताने दो, लेकिन ये मुश्किल नहीं, मैं मुझे बिल्कुल इस बारे में कोई तो कल लगा लो, चलो क्या होगा, तनख्वाह नहीं कटेगी, पैसे नहीं कटेंगे। कोई नया एक्टर है? हाँ चलो, तीन तीन बता दें, बता दूं, तीन बताएं, उसमें से कोई चूज कर लेंगे। अब ये नहीं कि दो सड़े हुए बता, नहीं तुम खुद ही बता दो, मुझे वैसे मुश्किल है, इम्पॉसिबल बल्कि, हाँ? मुझे पता है कि हो ही नहीं सकता। चलो तुक्का लगा लो भाई, कुछ भी जिसके साथ अभी काम कर रही होंगी बता दो कुछ। साथ काम कर रही हैं तो ले, मुझे तो नहीं, नहीं। इनसे पूछ ले मैं किसके साथ काम कर रहा हूं, ये तो नंबर रह जाएगा, खोलो फिर देख लो तुम, कौन है, आज पता लगा लो। नुमान एजाज, अच्छी चीज, गुड चॉइस। चलिए आप दोनों बैठ जाएं, ये तो मुझे, आप आ जाएं, ये बीच वाला इन लोगों का है। ओके चलो भाई, बेटी तुम उधर जाओ, अम्मी इधर आ जाएं। ओके भाई, आपकी बेटी का पसंदीदा मीठा क्या है? ये ज्यादातर जैसे चॉकलेट, चॉकलेट केक, इस तरह की चीजें आए तो खाती है बस। क्या ये बात दुरुस्त है कि नहीं? चॉकलेट सेट वालों कराने के लिए ये एक्टिविटी रखवाई। ओके, और तुम्हारी अम्मा का फेवरेट मीठा क्या है? I think it would कुछ traditional होगा, सवैया, सवैया उठाओ। Okay, आप उठा दें सवैया। अल्लाह, मेरी अम्मी का शीर खुरमा याद आ रहा है मुझे आज। हाय 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 हाय, सस्ते सस्ते कह रहे हम लोग, सस्ते नहीं, अगर सही पकाएं तो बहुत महंगा ही है, चांदी के वर्क और पिस्ते बादाम और सारी चीजें डलती है, छुआरे, क्या बात है। अच्छा, बाहर से ऑर्डर करके खाना पसंद खाना, बाहर से ऑर्डर करके खाना, ये आपका नहीं, इनका, इनकी पसंद आप बताएंगे। हाँ, तो ये बर्गर्स और फास्ट फूड टाइप मंगवाती है। हाँ। बर्गर, फास्ट फूड दिखाओ, पर्दा उठाओ, यही खाती है। यस, बर्गर बेसिक चीज नजर आ गया। हाँ। और अम्मा क्या खा, अगर मंगाएं कभी बाहर से तो क्या मंगाएंगी? दाल चावल तो नहीं, ये मुश्किल है, लेकिन आई थिंक कुछ देसी, जैसे जैसे कि कहाँ हम देसी बना देते हैं उसको। हमारे हम पाकिस्तानी बना देते हैं देसी, उसको होता नहीं है बेटा वो। ऐसा लाइक हम खाना कहाँ से मंगवाते हैं? मीको, तो वो क्या है? चाइनीज। हाँ, वही है, भूले हैं हम उसको, उसमें कुटी हुई लाल मिर्च मिलाते हैं, चाइनीज हैरान रह जाते हैं हमारा चाइनीज देखते हैं। चाइना वाले आते तो उनके कानों से धुआं निकलते हैं। भाई हमारे पैलेट्स, हम जैसे बगैर बदबू के खाना, कौन से लोग हैं जो चाइनीज खानों में मिर्चे डालते हैं? चाइनीज खुद बहुत डालते हैं, लाल मिर्चे पीस पीस के डाल रहे होते हैं। आपने सिचुआन चिकन नहीं खाई? गोल वाली लाल मिर्च होती है, तैर रहा होता शादियों में तो खाना, बोटियां कम होती है। मैं उसी चाइनीज की बात कर रही हूँ। हाँ, उड़े 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 नजर आ रहा है, देख लिया आपने? नहीं नहीं, मैंने देखा। ये अपना राज किससे शेयर करती है? मैं हूँ ना, इसकी सारी बातें शेयर करती हूँ, हर चीज। अम्मी, इजी यार। और ये अपना राज किससे शेयर करती है? मेरे सर। क्वेश्चन क्यों कर रही हो? देखते हैं कि बेटी की खुशफहमी जो है रंग लाएगी कि नहीं। सही फहमी है। हम दोनों एक दूसरे के साथ हर बात शेयर करते हैं।
और क्या है, वाकई करती हूं। मतलब अब्बा की बुराई करनी हो तो बेटियां तो काम आती है। नहीं लेकिन यू नो हमारी हमने बचपन से यही सुना है, वाहिद है लाइक यू नो, बाकी तो भाई और अब्बू हैं बस। तो और मैं किससे, मर्दों की बुराई करने के लिए दो और इकट्ठी हो जाती है। बेटा ये कह रही है मियां से, आपा कह रही ऐसे थोड़ी चल रहा है भाई। ओके हाँ भाई, नापसंदीदा तनकीद क्या है, जल्दी जल्दी बताना है। आई थिंक वो यही कहती होंगी कि कमरा नहीं साफ करते, डिसऑर्गेनाइज्ड। और आप बताएं, नापसंदीदा तनकीद, चीजें इधर उधर रख देते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बस इसी पे मैं उनको फिर कह रही होती कि भाई ये इनको पसंद नहीं है। बिल्कुल। अच्छा ये अभी देख लें आपके बच्चों को, आप तुम्हारा बेबी गोल फेस है क्या, क्यों गोल फेस वाली तनकीद क्या है? ये इसको अपना टेंशन रहती है कि आई हैव बेबी फैट ऑन माय फेस। देखो मेरी बहन मुझे देखो, बुढ़ापे में भी बूढ़ी ना लगे गोल फेस होने की वजह। कोई सर्जरी आनी करानी भी कहती रहती है क्योंकि आपके बच्चे जवान हो जाते हैं, आप भी जवान रहते हैं थैंक्स टू गोल मुंह बेबी फेस। मैं इसको यही कहती हूँ कि इट्स अ ब्लेसिंग यू हैव प्लम्प फेस। ये कहती नहीं मी जॉ लाइन हो, एंजॉय, आई वांट टू हैव कट्स तो मैं नो भाई मुझे देखो। ओके भाई इनको क्या पसंद है, ना पसंद ना पसंद उनके बारे में? हाँ तुमने अभी बताई भी थी, अभी तो बोला तुमने। अच्छा कि बहुत डिसऑर्गेनाइज होना और आगे इनको इनको कौन सी तनकीद ना पसंद है इनके ऊपर? अच्छा मैंने कुछ और समझा था इस सवाल को। अच्छा but like disorganized मतलब मतलब ये तो when you find fault in me something that I do which you don't like, तुम लोग तनकीद ये करते हो कि आपको समझ नहीं आता, मतलब at times हम कुछ कह रहे होते हैं आपको like ऊपर से गुजर जाता है। ये तो बहुत और मामले खुल रहे हैं। आराम से सुकून नहीं है, सुकून नहीं है, मतलब लाइक आई डोंट रेस्ट, हां आई डोंट रेस्ट, आई कीप वर्किंग। ये कहते हैं ना बेचैन जो वैसे एक्चुअली ये था, वो अक्सर जो एक्टिव लोग होते हैं ओवर, वो कहते हैं तुम्हारे अंदर हड्डी वड्डी नहीं है क्या? आई मेट आज अभी नॉट बैड यार, भाई पांच में बढ़ा दो यार, क्या करें अभी हमारे कंप्लीट नहीं हुआ। हां भाई चलिए अभी बेटी के बारे में बताएंगे क्या पसंद, मुस्तकिल कहने वाला जुमला क्या, मुस्तकिल इसको कहने वाला जुमला क्या है, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। मुस्तकिल कहने वाला जुमला मैं क्या जुमला कहती हूँ? तकिया कलाम कहते हैं, तकिया कलाम ये बताएगी ना, ये बताएगी आप बताएं इनका और ये बताएंगी आपका, जो अक्सर अपने लफ्जों में ये जुमलों में इस्तेमाल करती है तकिया कलाम कहते हैं। अच्छा ये हमेशा कहती है अरे अम्मी आपको समझ नहीं आ रही, और उस वक्त सख्त गुस्सा आता है। अच्छा यही है क्या कि अम्मी छोड़े यार आपको क्या पता। चले भाई अम्मी आप बताइए कि इनको क्या लगता है, मतलब अम्मी आपको क्या लगता है इनका तकिया कलाम क्या है? अरे भाई अरे यार अरे भाई यार ये हो देखा अरे भाई से शुरू नहीं एक दफा अरे भाई बोला तो मियां को बोला मैं नाराज हो गए का क्या कह रही हो। अच्छा भाई हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ हर वक्त की शिकायत, शिकायत क्या पसंद अम्मी की, हर वक्त की शिकायत मैं बताऊं, फोन अक्सर फोन में लगे रहते हो तुम लोग। हाँ शायद कुछ नहीं, पसंद क्यों लिखा भाई ये पसंद क्यों है? हाँ ये पसंद, हर वक्त की शिकायत पसंद क्यों है? अम्मी की हर वक्त की पसंदीदा शिकायत, अम्मी की हर वक्त, अम्मी की पसंदीदा शिकायत है वो, देर और उसकी पसंदीदा शिकायत, देर से सोना, देर से उठना और देर से फोन, देर से आना, ये सारी मेरी तो ये शिकायत है, देर करना, देर करना। ओके बेटी सोने में भी हो सकता है, इसकी पसंदीदा शिकायत क्या है? इसकी पसंदीदा आजकल की फोन पे पहली शिकायत क्या होती है, रीसेंट बताइए। मैंने आप फोन नहीं उठाती? नहीं अम्मी आप हरा रही हैं अपनी बेटी को। यस नाना बेटा बहुत नहीं बहुत अम्मी ये तो आजकल की है। नहीं मैं कौन सी गैस लेंगे बेटा बहुत तंग कर रहा है गैस नहीं। ये कौन सी शिकायत है? नहीं ये कौन सी गैस की बात है?
ओके हाँ कि मैं तो नहीं कर रही भाई, तुम लोग के एंड क्रेडिट्स बाद में चला देना. हाँ ओके भाई. हाँ शाबाश उठा दिया. शाबाश. अच्छा मोबाइल ऐप क्या झूठ है. इतना प्रेशर है, जल्दी करें एंड क्रेडिट्स चलाने. भाई नहीं चलाओ आज. चलाओ आज, सबको पता है कौन है. ब्रेक लेना है. लो वाइंड अप ही करना है ना, तो हम नहीं कर रहे ना, हमारा दिल ले जा. मोबाइल ऐप सब झूठ है. हाँ मोबाइल झूठ है, देख लिया था मैंने. हाँ मैं अच्छा, ये सब देख लिया, सब झूठ है. आप क्या कहती हैं भाई? मैं तो मानती नहीं हूँ ना इसको. नहीं नहीं, मेरी 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 नापसंदीदा मोबाइल ऐप कौन सी है? कोई नहीं, सब पे है. मैंने कहा था नहीं, जो नहीं पसंद. एक एक ऐप जो नहीं पसंद मुझे, ये फेसबुक बहुत. आपका तो पूछ भी नहीं रही, उसको कौन सी नहीं पसंद? नहीं पता होगा. नहीं इनको क्या नहीं पसंद? नहीं आपको नहीं पता होगा, आई एम श्योर नहीं पता होगा. मैं इतना इन चक्करों में पड़ती हूं. टिकटॉक नहीं पसंद मुझे. ओफो. अच्छा आखिरी सवाल रहेगा जल्दी से. नापसंदीदा रोक टोक, नापसंदीदा रोक टोक उसकी और आप अपनी अम्मी की. मुझे अम्मी की नापसंदीदा रोक टोक जो अम्मी करती हैं. नहीं नहीं अम्मी को कौन सी पसंद नहीं है हमारी? हाँ जो हम अम्मी पे करते हैं. हमारी है मजाल. इनकी मजाल नहीं है कि ये मुझसे कहे. रोक टोक करेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता. तुमने सही जवाब दिया क्योंकि अम्मी ने किसी की हिम्मत नहीं है. सही जवाब. अब आप उनसे उनकी बताएं जरा रोक टोक. हाँ जो उसको नहीं पसंद आपकी रोक टोक. जो मुझे नहीं पसंद जो आप करती है हमारे ऊपर. कंफ्यूजन में तो दिमाग घूम रहा है. मैं घर जाके धुएं निकले हैं मेरे. इसके साथ कुछ गोलियां सरदर्द की रख देते खाने के बाद. अम्मी जल्दी बताएं भाई. नहीं पता मुझे ये क्या है. बिलावे जी डाइन आउट बाहर खाना खाना. नहीं नहीं डाइन आउट मुझे खुद पसंद है. तो भाई ये था हमारा आज का प्रोग्राम. इससे पहले कि एआरवाई वाले बैट मार के मुझे कहे चलो घर जाओ छुट्टी हो गई है तो मैं खुद ही चली जाती हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बहुत शुक्रिया. थैंक यू. मजा आया ना? बहुत. आपने मेरा थोड़ा सा ना एक सारा क्रेडिट खुद ले जाना. नहीं सब बाहर इतना अच्छा मौसम है, बारिश हो रही है. चलो चलो बंद करो. अच्छा जी खुदा हाफिज. दुआ में याद रखिएगा. कल मिलेंगे. बारिश एंजॉय करें कराची वालों. गुड मॉर्निंग. सड़कों में